हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो आज अपन ऑनलाइन डीटीएससी में बात करते हैं मैथमेटिक्स, डीटीएससी 9 मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर। इसमें सबसे पहले बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, उसके बाद बात की जाएगी पेपर सेकंड की। तो जो पेपर फर्स्ट है इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन डी। सेक्शन वन में, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हैं और सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन हैं। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया सेक्शन ए का, इफ दी वर्टेक्स इज पी एंड क्यू ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर आर गिवन बाय दिस कॉमा दिस। आपको एक ट्रायंगल पीक्यूआर की टू वर्टेक्स इज गिवन है पी एंड क्यू, एंड दी पॉइंट आर मूव्स अलोंग दी लाइन दिस पार्ट, मतलब पॉइंट आर लाइज ऑन दी लाइन ऑफ दिस पार्ट, पॉइंट आर है वो इस लाइन के अलोंग, मतलब इस लाइन पे मूव करता है। देन दी लोकस ऑफ दी सेंटर ऑफ दी ट्रायंगल PQR is a straight line parallel to PQ, QR, RP और N coming in line। तो चलो first of all अपन क्या करते हैं, इस line का, इस triangle PQR के centered के locus की बात करते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, point P और point Q आपको given है और point R lies on the line। तो एक क्या करो, एक line एन पर, लाइन का नेम क्या एन है, इस पर एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करो। तो लेट क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप अल्फा लेट करते हैं तो पॉइंट आर लाइज ऑन दी लाइन, तो एक्स को जब आप अल्फा पुट करोगे बेटा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो 9 अल्फा प्लस 4 को राइट में शिफ्ट करो तो माइनस 4 माइनस 9 अल्फा अपॉन 7, ये आपका एक वेरिएबल पॉइंट आ गया आर पे। सिंपल सी बात यह है कि लेट इसका सेंटर्ड है जी, जिसका लोकस चीज उसको एच कोमा के लेट करते हैं। तो आपको करना क्या है, एच के और कॉन्स्टेंट में रिलेशन फाइंड आउट करना लोकस के लिए, इसका मीनिंग आपको अल्फा का एलिमिनेशन करना है, सिंपल सी बात है। तो और एक बात आप ज्योमेट्रिकली समझ सकते हो, पॉइंट आर को इस लाइन पे मूव करोगे उसके अकॉर्डिंग 100% सेंटर्ड भी आपकी, पॉइंट तो फिक्स है आपका पी क्यू, ऐसे लोगे तो सेंटर्ड का जो पाथ है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आपको यही चेक करना है कि इसका पाथ कैसा रहा होगा, ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑप्शंस की बात। तो चलो अपन क्या करते हैं कि इसका जो सेंटर्ड है एज, तो सेंटर्ड के लिखते हैं कोऑर्डिनेट, एज क्या होगा x1 + x2 + x3/2 के काम करें, पॉइंट P एंड Q क्या है, पॉइंट P तो है आपका 2,5 बेटा और पॉइंट Q है 4-11, ठीक है। तो चलो आ जाओ, एज क्या आएगा 2 + 4 = 6 + α/3, तो 6 + α/3, आपको अल्फा का एलिमिनेशन करना, तो एक काम करो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा कितना आ गया 3h - 6। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, k = y1 + y2 + y3/3, तो y1 + y2 क्या आ गया देखो 5 - 11 - 6, और ये क्या होगा प्लस दिस पार्ट y7, तो प्लस -4 - 9α/7 और अपॉन में 3, उसको सिंपल इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, साथ ही साथ एक काम करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 21k = -42 - 4 - 9α, अल्फा को एलिमिनेशन करना है तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो उसमें। जब आप इससे अल्फा की वैल्यू को पुट करोगे बेटा तो क्या आ गया देखो 21k = -k 46, 42 और 4 46 - 9, एक काम करो 9 अल्फा की वैल्यू 27h, तो -k 27h और 7 से करो 9 से 9 × 6 = 54, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस आ गया 54, तो देन क्या बोल सकते हो आप 27h, तो h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को y से लोकस के लिए, तो देन ये क्या होगा 27x + 21y = कितना आ गया 8 आ गया, यस सर। ये इस पॉइंट जी मतलब सेंट्रोइड का लोकस है। तो देखते हैं अपन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ये जो को अपन जो लाइन गिवन है क्वेश्चन में, जो लाइन है इसका स्लोप भी देखो इसके इक्विवेलेंट है, इसको अगर आप सी से डिवाइड करते हो तो क्या आ गया 9x + 7y = 8/3, देन आप बोल सकते हो कि जो जी है
वो आपका इस लाइन पे लाई करेगा विच इज पैरेलल टू दी लाइन एन, विच इज पैरेलल टू दी लाइन एन। इसका मीनिंग क्या आ गया, क्वेश्चन यही पूछा गया कि सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज स्ट्रेट लाइन, कि ट्राइंगल का सेंटर ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में बोल दिया गया विच इज पैरेलल टू दी एन, तो वो गिवन लाइन एन की क्या होगा पैरेलल, तो देन इसका करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। ठीक है चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया बेटा, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट ए एंड बी आर 1.2 एंड 7.5, आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, द लाइन एबी इज रोटेटेड थ्रू 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस एबी सेगमेंट को या एबी लाइन को आपको 45 डिग्री एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना, रोटेट करना है। देन पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन विच इज नियर टू दी वी, और ये किसके अबाउट रोटेट करोगे, ये जो ए बी सेगमेंट का इसका ट्राई सेक्शन पॉइंट है और नियर टू दी वी पॉइंट बी के पास वाला, उसके अबाउट उसको क्या करना है, रोटेट करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन, तो आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है न्यू पोजीशन में। तो देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन में करते हैं अपन, देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक लाइन सेगमेंट गिवन है आपको ए एंड बी, ठीक है बेटा, तो पॉइंट ए तो गिवन है बेटा 1.2 और पॉइंट बी गिवन है आपको 7.5। अब आपसे क्या बोला गया है, इस AB का ट्राई सेक्शन का पार्ट लो, इसको थ्री इक्वल पार्ट्स में क्या करता है डिवाइड, तो ये लो थ्री इक्वल पार्ट है, तो पॉइंट B के जो नियर पॉइंट है ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट क्या करना है, इस AB लाइन को इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दो, ऐसे आपकी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, तो इस AB के अबाउट आपने इसको क्या किया, रोटेट, तो ये एंगल गिवन है आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45, तो आपको इस न्यू पोजीशन में लाइन की इक्वेशन को करना फाइंड आउट। तो एक काम करें, इसका स्लोप लेट करो, सिंपल सी बात है, इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन के लिए ये पॉइंट और ये स्लोप अगर फाइंड आउट हो जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। तो देखो बेटा क्या करना चाहिए अपन को, सिंपल सी बात है, जो पॉइंट c लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट c क्या है, ये AB सेगमेंट का ट्राई सेक्शन पॉइंट है, तो एक काम करो, ये ट्राई सेक्शन का मीनिंग, ये सारे रेशियो इक्वल है ना, तो ये हो गया आपका 2:1, तो एक काम करो, इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो पॉइंट सी, तो पॉइंट सी क्या होगा, 7 × 2 = 14 + 1 = 15/3, 10 + 2 = 12/3, ये लो पॉइंट सी तो आ गया 5/4, बस कैसे भी करके स्लोप और पता चल जाए तो आपका आंसर जाएगा। तो देखो क्या करना चाहिए बेटा, इसका स्लोप एम है, आप ए बी लाइन का स्लोप फाइंड करो, स्लोप ऑफ एम ए बी, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जब भी एक लाइन पे टू पॉइंट्स गिवन हो तो देन वी कैन यूज फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो स्लोप कैसे करोगे, 5 − 2 = 3 / 7 − 1 = 6, तो 2/3 = 1/3, ये लो बेटा, तो इस लाइन का स्लोप आ गया 1/3, यस सर, तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, हाँ सॉरी, ये तो इस लाइन का स्लोप, ए बी लाइन का स्लोप है, अब आपको इस m की वैल्यू चाहिए, काम करो, tan 45 डिग्री इक्वल टू, आप सिंपल क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में फॉर्मूला यूज करोगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्या लिखोगे, तो m माइनस 1/3 अपॉन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1, यस सर, जब भी आपको पता है कि इस लाइन की क्वेश्चन एक सिंगल लाइन होगी 100%, तो स्लोप भी इसका सिंगल होगा, तो देन क्या करो, सीधा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला गया है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखोगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसमें मॉड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मॉड लगाने का मीनिंग होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करोगे तो वही आपको लाइन फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है ना, तो देन क्या करें, ये तो 1 हो गया ना, तो क्या आ गया सिंपल, 1 प्लस m अपॉन 3 इक्वल टू m माइनस 1/3, देन दिस इज 2m/3 इक्वल टू आ गया 1 + 1/3 = 4/3, तो बेटा लाइन का स्लोप क्या जाएगा, से 2 आ गया, एक बार कैलकुलेशन देखना, अगेन ये पॉइंट क्या होगा, 5 - 2 = 3
टू आएगा, ए वन बाई टू क्या आएगा बोलो, वन बाई टू, क्योंकि ऑप्शन में सब स्वरूप दे रखे ना, ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी टू, तो दिस इज थ्री बाई टू, ठीक है। तो देन आपका लाइन का स्लोप क्या आ गया, एम इक्वल टू थ्री। अब लाइन का स्लोप एम थ्री आ गया, पॉइंट आपको पता है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन इज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम ओ एक्स माइनस एक्स है, तो क्या आ गया देखो, वाई माइनस फोर इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन, सबको एक तरफ शिफ्ट करें, तो देन इक्वेशन इज थ्री एक्स का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी फॉर व्हिच द ओरिजिन एंड द पॉइंट 1, 1 लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द गिवन लाइन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी आपका पॉजिटिव है। देखो क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का, एक आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसकी इक्वेशन है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन बोला गया कि जीरो जीरो एंड वन कॉमा वन लाइज ऑन दी सेम साइड ऑफ दी लाइन, तो ये आपको पता होगा कि जैसे लेट ये लाइन एल है तो लाइन पॉइंट लाइज ऑन दी सेम साइड ऑफ दी लाइन, तो क्या कंडीशन होगी कि लाइन में फर्स्ट पॉइंट पुट करो अपॉन लाइन में सेकेंड पॉइंट पुट करो का रेशियो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, अगर दोनों पॉइंट सेम साइड है, अगर दोनों के अपोजिट साइड है तो रेशियो क्या होगा, नेगेटिव। अब रेशियो भी लिख सकते हो और उनका मल्टीपल लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, सेम ही बात होगी। तो क्या जाएगा इसका अकॉर्डिंग देखें, तो लाइन में आपने फर्स्ट पॉइंट पुट किया दिस पार्ट, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वन अपॉन क्या आएगा, जीरो जीरो पे वन आ गया, अपॉन वन को जीरो में शिफ्ट कर सकते हो जैसा आ गया, तो ये देखो ए में क्वाड्रेटिक है आपकी और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन में बोला गया ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मीनिंग क्या है, ए की ऑल वैल्यूज के लिए क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये आपको पता होगा ए स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है तो इस ए स्क्वायर में जो क्वाड्रेटिक इसका डायग्राम अपवर्ड पैराबोला होगा और अपवर्ड पैराबोला की वैल्यू एक्स की ऑल वैल्यूज के लिए क्या लेके आनी है आपको, पॉजिटिव। तो एक कब पॉसिबल होगा, जब ये डायग्राम ड्रॉ करोगे और इस डायग्राम की कंडीशन क्या होगी, डी लेस देन जीरो। तो सिंपल क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो, देन बी स्क्वायर लेस देन फोर, तो सिंपल क्या जाएगा, मोड बी लेस देन टू। आप नंबर लाइन सेव कर सकते हो फैक्टर करके, बी माइनस टू बी प्लस टू, और मोड बी लेस देन टू का मीनिंग बी बिलोंग्स टू माइनस टू से टू, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, बी बिलोंग्स टू माइनस टू से, बट अपन को क्वेश्चन में गए मैंने बी ग्रेटर देन जीरो की बात करो आप, तो जीरो से ग्रेटर लोगे तो क्या जाएगा, कॉमन पार्ट जीरो से टू, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। इस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ ए टू कॉमा माइनस वन एंड लाइन दिस पार्ट आर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड एंड एंगल बाई सेक्टर रेस्पेक्टिवली ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी, मतलब ये जो टू लाइंस गिवन है ये क्या है, पॉइंट बी से जब आप अपोजिट साइड पे क्या ड्रॉ करोगे, एल्टीट्यूड एंड एंगल बाई सेक्टर, उनकी आपको इक्वेशंस गिवन है, तो देन इक्वेशन ऑफ बी सी, तो आपको बेटा बी सी की इक्वेशन को क्या करना, फाइंड आउट। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार इसका रफ में डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम रफली। लेट ए आपका ट्राइंगल है ए बी और सी, तो पहले देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, सॉरी ये बी लेट कर लेते हैं, इसको अपन सी कंसिडर कर लेते हैं। तो ट्राइंगल है आपका ए बी सी, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि पॉइंट बी से आपने क्या ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ये एंगल 90 है, तो ये आपको ये इक्वेशन गिवन है फर्स्ट। उसके बाद आपने इस पे ये क्या बनाया, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग है कि बोथ एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल बी बाई टू है और इसकी भी इक्वेशन आपको गिवन है, तो देन आपको इक्वेशन ऑफ बी सी को करना है फाइंड आउट। देखो बी सी की इक्वेशन के लिए क्या करना चाहिए, आपको पॉइंट ए गिवन है, अब क्वेश्चन को करने के दो तीन मेथड है इसको, बट बहुत अच्छा मेथड देखो कौन सा है जो मेरे को लगता है। देखो एक बात बताओ, बीसी की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए आपको, अगर ये पॉइंट बी तो पता है आपको कैसे, ये टू लाइन गिवन है आपको, पर एल्टीट्यूड की इक्वेशन गिवन है और बाइसेक्टर की इक्वेशन गिवन है,
इन बहुत इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो पॉइंट भी, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या पॉइंट भी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यही करते हैं कि जो टू लाइंस गिवन है आपको 7x माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इन बहुत इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करो x एंड y की वैल्यू, तो एक काम करो ना ये 10 है ये 2 है तो सेकंड इक्वेशन को आप क्या करो 5 से मल्टीप्लाई और सीधा क्या करो सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को कर देते हैं माइनस। देखो 15x माइनस 7 8x 10 प्लस 10 चला गया और प्लस 24 तो 24 आ गए 1 माइनस करने पे तो देन इससे आ गया x तो आ गया माइनस के 3। x को माइनस 3 अपन इधर पुट कर देते हैं या इधर ले लो x को माइनस 3 लोगे तो क्या आ गया माइनस के 9 माइनस के 9 और प्लस के 4 माइनस के 4 तो माइनस 2y इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 2 क्या आ गया y इक्वल टू माइनस के 2 0। मतलब अपना जो पॉइंट बी एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3 कोमा माइनस के 2 ये जीडी आप कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है ना 7 3 21 हाँ सही है पॉइंट। पॉइंट बी आने के बाद अब दो ऑप्शन हैं कैसे भी करके या तो इस लाइन बी सी का स्लोप पता चल जाए या पॉइंट सी पता चल जाए या फिर इस लाइन पे एनी पॉइंट पता चल जाए आपको कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो देखो एक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए या फिर सेपरेट देख लेते हैं आपको भी जैसे लेट ये आपका ट्राइंगल एबीसी और ये क्या है इसका बाइसेक्टर है तो ये एंगल आपका सी बाई टू है ए बाई टू कुछ भी लिख दो ये ए बाई टू है तो ये भी क्या होगा ए बाई टू। जब आप पॉइंट बी की इस एंगल बाइसेक्टर में क्या लेते हो इमेज लेते हो तो इमेज अपोजिट साइड पे शो होती है मतलब तो देखो उसको डायरेक्ट करना तो सिंपल सी बात है ना अगर ये इसकी इमेज है बी डैश तो देखो सिंपल सी बात है ये इमेज है तो ये दोनों लेंथ सेम होंगी ना और ये एंगल 90 होगा ये मैंने बना के दिखा दी जबरदस्ती बना दी मान लो आप। अब देखो इसको प्रूव करना है कि ये बात सही कैसे देखो ब्लैक बोर्ड पे अगर ये पॉइंट बी की इमेज है बी डैश तो ये एंगल 90 होगा ना और अगर ये एंगल 90 देखो ये 90 ये ए बाई टू है तो 90 माइनस ए बाई टू ये 90 है ये ए बाई टू तो ये भी कितना आ गया 90 माइनस ए बाई टू मतलब ये बहुत ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल इसका मीनिंग ये लेंथ भी क्या होगी 100% इक्वल होगी। अरे एक चीज तो सेम आ सकता हूँ ना आप तो क्या करो सिंपल सी बात है इस पॉइंट बी से इमेज का इमेज अप्लाई कर दो उसमें इमेज लेट कर दो अगर तो ये एंगल 90 है तो ये लेंथ अगर ऑटोमेटिक सेम आती है यही तो देखना है ना कि ये लेंथ अगर ऑटोमेटिक सेम आती है तो अपन बोल सकते कि हाँ ये बहुत ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो इसका मीनिंग पता चल गया इस पॉइंट बी की अगर एंगल बाइसेक्टर में अगर आप इमेज का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देन वी गेट पॉइंट बी डैश और आपको पता होगा सबको इमेज का फॉर्मूला क्या होगा और ये याद रखें हमेशा के लिए बहुत यूजफुल फॉर्मूला है कि लेट आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है बेटा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ये एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको करना क्या है ये एक पॉइंट है आपका एक्स वन कॉमा वाई वन इस पॉइंट की इस लाइन में इमेज का फॉर्मूला फाइंड आउट करने का क्या होगा ये पॉइंट क्यों निकालना है एक्स कॉमा वाई तो इमेज का फॉर्मूला क्या होगा सीधा फॉर्मूला है इसको लेट कर देते हैं एक्स वन कॉमा वाई वन ठीक है ना तो क्या आ गया एक्स माइनस एक्स वन अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू सिमिलरली वाई माइनस वाई वन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू माइनस टू ब्रैकेट में क्या करना है जो पॉइंट है इसको पुट कर दो एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये इमेज का फॉर्मूला आप याद रखें सिंपल। अब क्या करना है देखो इस पॉइंट ए की जब आप इस एंगल बाइसेक्टर में इमेज लोगे तो ये पॉइंट दिखेगा आपको ए डैश तो सिंपल सी बात है बी आपको फाइंड आउट कर लिया अपन ने पॉइंट ए डैश और आ गया तो टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन इज y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन तो चलो अपन इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को करते हैं कैलकुलेट। तो क्या करना है देखो इस पॉइंट ए को लेट करते हैं एक्स कॉमा वाई तो क्या जाएगा एक्स माइनस टू अपॉन ए ए क्या होगा एंगल बाई सेक्टर का एंगल बाई सेक्टर कौन सा वाला वाला थ्री इन टू तो थ्री इक्वल टू वाई माइनस वाई वन तो वाई प्लस वन अपॉन माइनस टू इक्वल टू क्या होगा माइनस टू उस लाइन में पॉइंट पुट कर दो टू कोमा माइनस वन तो टू कोमा माइनस वन लेने क्या आ गया सिक्स प्लस टू एट और प्लस फाइव
13 अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज 9 प्लस 4 इज अगेन 13 आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया ना, मतलब माइनस 2 आ गया। जब इन दोनों से लेट करोगे आप इक्वल टू करोगे तो x को कितना आ गया 6, सॉरी माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस का 4। सिमिलरली y क्या आएगा इन दोनों से देखो, प्लस 4 माइनस 1 इज 3, ये लो। तो ये पॉइंट a डैश आ गया आपके पास माइनस 4, 3। अब आपको 2 पॉइंट गिवन है, तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या करोगे अपन एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ बीसी, बीसी लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ, वाई टू माइनस वाई वन, तो 3 प्लस 2 इज 5 अपॉन माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस के 1, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस के 5। ये लो स्लोप पता है आपको, पॉइंट पता है, तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, तो देन क्या आ गया 5x प्लस वाई प्लस 17 इक्वल टू 0, ठीक है, तो देन इसके अकॉर्डिंग 5x प्लस वाई प्लस 17, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना, चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 है, दी नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी ड्रॉन टू दी पॉइंट 4, -1 शो दैट डिस्टेंस फ्रॉम -2, -3 विल बी 12। क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का, एक लाइन है जो आपकी 4, -5 से पास होती है, ठीक है ना, तो 4, -5 से पास होती है एक लाइन, और इस लाइन पे आपने क्या किया -2, -3 से डिस्टेंस फ्रॉम दी दिस पार्ट, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस बोली गई है 12। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ इस 4, -5 से ऐसी कितनी लाइंस पास हो सकती है जिनकी जिस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो 12 हो। तो एक काम करते हैं आप क्या करो, इस लाइन का स्लोप लेट करो m, तो कैसी भी करके आप m की वैल्यूज फाइंड आउट कर दो, तो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज m की होंगी उतनी ही लाइंस आप इस पॉइंट m से या पॉइंट 4, -5 से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अपन m की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो दिस पार्ट, तो y माइनस वाई वन, तो y प्लस 5 इक्वल टू m ऑफ, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, सबको एक साइड ले, तो क्या आ गया mx माइनस y माइनस 4m माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। अब आपको m की वैल्यू को करना फाइंड आउट, तो क्या करें माइनस 2, 3 से लाइन की डिस्टेंस, तो पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा आपका, लाइन में पॉइंट पुट करो का मोड अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पता होगा आपको ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मोड अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये लाइन आपको गिवन है, ये लेट पॉइंट अपन ए मान लेते हैं और ये पॉइंट लेट एम है, तो आपको क्या बोला गया ए एम डिस्टेंस आपकी 12 है, तो पहले पॉइंट पुट करो और मोड लगाना है, तो माइनस 2 लेने पर क्या आ गया माइनस के 2 है, y पुट करोगे 3 तो माइनस के 3 माइनस के 4m माइनस के 5 का मोड अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इज m और v इज 1, तो क्या आ गया 1 प्लस इक्वल टू आपको गिवन है 12। तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो कितना आ गया -6m माइनस 8 का मोड इक्वल टू 12 रूट 1 प्लस m स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया ना, तो कितना आ गया 3m प्लस 4, क्योंकि माइनस का मोड तो प्लस बन जाएगा, इक्वल टू आ गया 6 रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इसकी बोथ साइड आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ m। तो देखो इसकी जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या जाएगा, पहले इधर स्क्वायरिंग कर देते हैं तुम, तो 9m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 12 टू 4 24m इक्वल टू क्या आ गया 6 का मतलब 36 प्लस 36 m2। तो सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो राइट साइड में, तो 36 में से 9 गए तो कितना जाता है बताओ 27 m2 माइनस के 24 m प्लस के 20 इक्वल टू 0। ये आपकी m a क्वार्टिक है। अब इसको थोड़ा केयरफुली देखो आप, तो m a क्वार्टिक है, तो ये नहीं कि फटाफट बोल दो कि सर m की 2 वैल्यू होंगी आंसर फटाफट 2 आ गया, नहीं, एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से चेक करो या फिर इसका डी चेक करो,
बाई चांस इसका डी नेगेटिव आ गया तो फिर तो इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे ना, तो देन क्या करते हैं इसका डी चेक करते हैं, तो इसका डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो देखो डी बी स्क्वायर की वैल्यू 24 का स्क्वायर 576 होता है, पता होना चाहिए, माइनस फोर ए 27 इंटू 20 तो क्या गया 80 इंटू 27 है, तो ये तो बहुत बड़ा आ गया 1600 से। इसका मीनिंग इसका डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, इस 0.4 को माइनस 5 से कोई भी रियल स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी 12 होगी, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या पूछा है इसने, नंबर ऑफ लाइंस, तो क्या आंसर आएगा इसका, जीरो। आप एक भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते इस पॉइंट से जिनसे इस गिवन पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी लाइन से 20। चलो तो इसका सेकंड आंसर फिल करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन व्हिच, एक लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, ऑन व्हिच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, इस लाइन पे आपने ओरिजिन से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड व्हिच फॉर्म ए ट्रायंगल ऑफ एरिया 50 अपॉन रूट 3 स्क्वायर यूनिट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक बार इसका रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये लेट एक्स एक्सिस है, ये लेट आपकी वाई एक्सिस है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक स्ट्रेट लाइन है आपकी एल, इस लाइन पे आपने क्या किया, ओरिजिन से क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, ये बोला गया ना, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये जो परपेंडिकुलर है आपका ओरिजिन से ड्रॉ किया, ये आपका एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है बोलो 30 डिग्री, और बाद में बोला गया है ये जो ट्राइंगल है मतलब लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एरिया गिवन है OAB, वो आपको गिवन है 50 अपॉन रूट 3, तो देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो देखो एक आपको बात पता होगी, ये जो परपेंडिकुलर है आपका इसकी लेंथ अपन लेट कर देते हैं पी, और ये एंगल है लेट आपका अल्फा, तो आप सबने स्ट्रेट लाइन की फॉर्म पढ़ी होगी, कौन सी, नॉर्मल फॉर्म, कि लाइन पे ये नॉर्मल फॉर्म आपको पता होगी शायद, एक लाइन है, इस लाइन पे आपने क्या किया ओरिजिन से ड्रॉ किया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की लेंथ तो पी है और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एंगल गिवन है अल्फा एक्स के साथ, तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना आपने, एक्स कोस अल्फा, लाइन की इक्वेशन एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, सीधा डायरेक्ट, ये कौन सी लाइन है, ये नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है जिसमें अल्फा का मीनिंग क्या है, उस नॉर्मल का या ओरिजिन से जो आप उसमें क्या करोगे परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है और पी क्या है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ है आपको, ठीक है, तो इसको पी लेट करो, ये एंगल अगर अल्फा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ एल इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज P। तो देखो सिंपल सी बात है, ये आ गया रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री एक्स प्लस वाई बाई टू, और तो चला गया 2P। अब आपको क्या चाहिए, केवल P की तो वैल्यू चाहिए, P आ गया तो लाइन मिल जाएगी आपको। तो देखो आपको इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है 50 अपॉन रूट 3, तो ट्रायंगल का एरिया गिवन है डेल्टा ओ ए बी इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव है तो मोड़ लगा देते, तो क्या लिखोगे, हाफ बेस, बेस क्या होगा, ओए होगा ना, तो इस ओए की लेंथ क्या होगी, इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आपकी लेंथ होगी, इस पॉइंट ए की एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, लाइन में आप वाई को जीरो पुट कर दो ना, तो क्या आ गया 2P अपॉन रूट 3, तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 2P अपॉन रूट 3। सिमिलरली पॉइंट बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका होगा लेंथ ऑफ ओबी, तो ये क्या होगा, आप x को जीरो पुट कर दो, इस बार ये पॉइंट आ जाएगा 2p, तो लेंथ क्या होगी ओबी की 2p इक्वल टू आपको गिवन है 50 अपॉन रूट 3। यस सर, तो देन देखो क्या करना है, ये रूट थ्री से रूट थ्री, टू से टू कैंसिल, तो क्या आ गया 2p का मॉड इक्वल टू 50 या 2p स्क्वायर का मॉड इक्वल टू 50, तो देन p स्क्वायर का मॉड इक्वल टू 50, तो सिंपल इससे आ गया p स्क्वायर इक्वल टू 50, सो p स्क्वायर इक्वल टू 25, तो P equal to क्या आ गया प्लस माइनस 5। तो इसको देख के लग रहा होगा कि सब टू आंसर्स आने चाहिए, बट एक बात याद होगा, ये P क्या है, लेंथ है आपकी, ये P क्या लेंथ है, P इसमें पॉजिटिव होगा, तो P को केवल आपको 5 पुट करना है, तो P को, अरे P क्या है, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर की लेंथ है, तो P को 5 पुट करोगे तो आंसर क्या होगा, √3x + y = 10, तो इसके अकॉर्डिंग इसका फोर्थ ऑप्शन
सॉरी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो तो नॉर्मल फॉर्म को यूज करना था इस क्वेश्चन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉइंट 8 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो के रेशियो में। मतलब क्या बोला गया, पॉइंट ए इन गिवन टू पॉइंट्स को क्या करता है के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो देखो पॉइंट ए तो आपको गिवन है -5.1, पॉइंट बी गिवन है 3.5, यस सर। और ये पॉइंट सॉरी इसको बी सी लेट कर देते हैं, ये लेट पॉइंट बी है, कुछ नॉर्मल मानो को भी बी सी करो और बाद में इसको पी क्यू मान लेते हैं, ये पी है लेट ये क्यू है, और पॉइंट ए इसको क्या करता है के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो आप पॉइंट ए क्या लिख सकते हो बोलो, इंटर डिविजन का फॉर्मूला 3k -5/k+1, 5k+1/k+1, ये आपका पॉइंट ए आ गया जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में बोला गया कि पॉइंट ए डिवाइड द पॉइंट दिस पार्ट इन रेशियो के रेशियो 1, ठीक है ना। पॉइंट ए आने के बाद क्या बोला गया, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी आर दिस एंड दिस। आपको बी और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, ए पॉइंट आपने के की टर्म्स में फाइंड आउट कर दिया, और बाद में बोला गया ट्रायंगल का एरिया बनो 2 गिवन है आपको, डेल्टा एबीसी आपको 2 गिवन है। तो अगर आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस गिवन है आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो देन एरिया का फार्मूला क्या लगोगे, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ क्या x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ गया देखो 3k -5/k+1, ये क्या होगा 5k+1/k+1, और बाद में बना गया। सिमिलरली ये क्या होगा, पॉइंट बी कितना है बोलो 1, 5, 1, और अगला आ गया 7 -2 and 1। अभी ट्राइंगल का एरिया एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इधर क्या लगा दो मोड़ हटाओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात ये है, ये 2 तो इधर आके 4 हो गया ना, तो इस 2 को हटा के 4, एक काम कर सकते हो सिंपल अरे सीधा कर देते ना इसको, ओपन कर दो आपको क्या आ गया 3k -5/k+1, और देखो 5 + 2 7 आ गया ना इसके साथ, ये लो फिर क्या लिखोगे माइनस सेकेंड पार्ट है 5k+1/k+1, और इस रो और कॉलम को हटाओ तो 1 -7 = -6, तो -6 होगा तो इसको +6 कर देगा, और -1 के अकॉर्डिंग -2 और 7 = 35, तो -k = 37 क्या गया 2 को दर्शित किया तो +-k = 4, कुछ नहीं है k प्लस वन से मल्टीप्लाई करना। तो जब आप टेकिंग प्लस और टेकिंग माइनस लोगे तो देन आप क्या करोगे k की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, तो इससे सॉल्व करने पे k की 2 वैल्यू जाने वाली है 7 and 31/9, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन में। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट ऑफ डेल्टा एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी के 2 फिक्स्ड पॉइंट गिवन है आपको ए एंड बी। इफ द वर्टेक्स सी मूव्स इन सच ए वे दैट cot a plus cot b equal to lambda where lambda is a constant, then locus of point c। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन, इसको अपन प्रॉपर एक्स वाई प्लेन पे बनाते हैं क्योंकि पॉइंट बहुत सिंपल गिवन है आपको। देखो एक पॉइंट तो गिवन है b -a,0 और पॉइंट a गिवन है बेटा a,0, और एक पॉइंट c आपका कहीं इधर मान लो रफली, ये इस पे मूव करता है, और कंडीशन क्या बोलेगी, ये cot a plus cot b आपका लंबा है, ये एंगल b है और ये एंगल आपका a, क्योंकि ट्रायंगल है ना abc तो एंगल a और एंगल b, cot a plus cot b लंबा है। तो एक काम करो आपको बताना है पॉइंट c का लोकस, तो पॉइंट c के लोकस के लिए क्या करें, इस पॉइंट c को h कॉमा k कंसीडर करो ना। अब आपको सिंपल h k और कांस्टेंट में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो देखो उसके लिए इस रिलेशन की हेल्प यूज करोगे आप, तो क्या करें देखो इस पॉइंट सी से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। अब आप बोलोगे परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, सिंपल सी बात है आपको
कोट ए और कोट बी की वैल्यू को पुट करना है, जिससे आप इजीली एच के में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये पॉइंट ए है, ये एंगल ए है, ये पॉइंट अगर एच कोमा के है तो ये पॉइंट क्या आ गया एच कोमा जीरो, मतलब ये लेंथ आपकी एच है। ये टोटल लेंथ अगर ए है तो ये लेंथ आपकी क्या होगी ए माइनस एच। और इस ट्राइंगल की बात करोगे तो पॉइंट बी से लेके यहां तक ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस इज ए और दिस इज एच, तो दिस इज ए प्लस एच। तो देखो सिंपल हो गया ना, तो कोट ए टेन ए तो क्या होगा दिस अपॉन दिस, तो कोट ए क्या आ गया ए माइनस एच अपॉन के, क्योंकि ये लेंथ क्या होगी इसकी वाई कोऑर्डिनेट के। तो पुट करते हैं सारी वैल्यूज को, देन वी विल गेट आंसर। तो कोट ए तो क्या आ गया ए माइनस एच अपॉन के प्लस दिस इज ए प्लस एच अपॉन के इक्वल टू लैम्डा, की तो इधर मल्टीप्लाई हुआ क्या आ गया लैम्डा के इक्वल टू एच से एच कैंसिल, तो सिंपल टू आ गया, के को रिप्लेस करना वाई से, तो देन पॉइंट का लोकस आ गया लैम्डा वाई इक्वल टू टू। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है चलो, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अगले क्वेश्चन में क्या एक इंटीग्रेशन करना अपन को, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो वैसे ये आपको पता होना चाहिए जब भी इंटीग्रेशन में क्या हो, साइन की पावर एन एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स, तो दो ऑप्शन है। जब पावर अगर न्यूमेरेटर में, इधर सुन लो मैं आपको बोल के बता देता हूं, साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स है, तो एक ऑप्शन तो क्या है कि एम एंड एन बोथ आर नेचुरल नंबर, एम और एन अगर दोनों आपके नेचुरल नंबर हैं तो उसमें भी तीन केस होते हैं बेटा, एम और एन में से एक इवन और एक ऑड है, तो जिसमें ऑड है ना उसमें से एक अलग करके बाकी को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करो, जैसे लेट इसकी पावर 4 है इसकी पावर 3 है, तो एक कॉस कर दो सेपरेट, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन एक्स को डी पुट करोगे कॉस एक्स डी एक्स आपका डी टी में चला जाएगा। यही प्रोसीजर करना है ये 3 और ये 4 मानने पे, इस बार साइन एक्स को भा ले लो आप, दोनों की पावर इवन है तो इसको करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर पावर हायर है। अगर इसने दे दिया ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर या पावर 4 और 2 इतना तो फिर भी कर सकते हैं, फिर तो क्या करो साइन स्क्वायर को आप कॉस 2x में कन्वर्ट कर सकते हो और कॉस स्क्वायर को भी कॉस 2x में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करके किया जा सकता है, बट ये लेंथी प्रोसीजर है तो उसके लिए एक मेथड है कॉम्प्लेक्स नंबर में, उससे करते हैं इसको। अब डिस्कस तो कर नहीं पाएंगे उसको क्लास में, बट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, अभी अपने क्वेश्चन में क्या है, ये जो पावर है एम और एन, अगर ये पावर आपकी एम और एन नेगेटिव हो, क्या हो पावर नेगेटिव, तो क्या करो इनको पहले आप डिनोमिनेटर में लाएं, सिंपल है साइन की पावर एम एक्स इंटू कोस की पावर एन एक्स में अगर एम एंड एन बोथ आर नेगेटिव तो एक ही ऑप्शन है इसको करने का, ये फ्रैक्शनल में बोलो पी अपन क्यू की फॉर्मेटिव हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है पी अपन क्यू की फॉर्मेटिव हो सकती है, तो उस केस में आपको एक ही काम करना है कंप्लीट क्वेश्चन को न्यूमेरेटर में तुलाना है sec स्क्वायर x dx, रिमेनिंग पार्ट को कन्वर्ट करना 10x में, जिससे क्या होगा 10x को जैसे ही आप पीलेट करोगे sec स्क्वायर x dx तो चला जाएगा dt में और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा t में बन जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो अपन इसको ट्राई करते हैं, क्वेश्चन क्या है इसको लिख सकते हैं अपन, इक्वल टू dx अपॉन क्या गया sin की पावर 11 अपॉन 3x cos की पावर 1/3x। तो क्या करें, देखो साइन को तो 10 में लाना है तो इसको अपॉन में क्या कर दो कॉस की पावर 11 अपॉन 3 से डिवाइड कर दो, तो साथ ही साथ कॉस की पावर 11 अपॉन 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये करोगे आप, देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लिख सकते हैं इक्वल टू अपन देखो 1 अपॉन ये तो बन गया 10 एक्स की पावर 11 अपॉन 3, और देखो ये क्या गया बेस इक्वल हो तो पावर को ऐड कर सकते हो, तो 12/3 कॉस की पावर 4x आ गया ना, कॉस की पावर 4x को लाओगे न्यूमेरेटर में तो ये आ गया sec की पावर 4x, क्या आ गया sec की पावर 4x, और sec की पावर 4x में से क्या करो एक sec स्क्वायर x को तो कर दो सेपरेट और रिमेनिंग sec स्क्वायर x को लिख दो 1+10 स्क्वायर x, ये बोला था न्यूमेरेटर में एक sec स्क्वायर x लाना है रिमेनिंग पार्ट को 10x में कन्वर्ट करना है, तो देखो अगेन ब्लैक बोर्ड पे दिस अपॉन दिस तो आ गया 10x की पावर 11/3, ये आ गया cos की पावर 4x, इसको न्यूमेरेटर में लाओगे तो क्या आ गया sec की पावर 4x, और sec की पावर 4x में क्या किया एक sec स्क्वायर x को किया सेपरेट और रिमेनिंग पार्ट को लिखा 1+10x। तो क्या करना है इसके बाद, सिंपल ऑप्शन
आप इसमें क्या करो, 10x को लेट करो, टी भी लेट कर सकते हो, मैं टी की पावर 3 लेट करते हैं जिससे 1/3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10x को लेट करो टी की पावर 3, तो क्या आ गया sec स्क्वायर x dx तो चला गया बच्चों 3t स्क्वायर dt भी लो, तो चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ गया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 10x t की पावर 3 है तो t की पावर 6 अपॉन ये आ गया t की पावर 11 क्योंकि 3 तो कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 3t स्क्वायर dt, तो देखो क्या करना है इसके बाद सिंपल आ गया, देखो 3 तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, इंटीग्रेशन अब सीधा देखना डायरेक्ट ये पावर 2 है 3 है तो 9 आ गया, 11 से कैंसिल करोगे तो 9 आ गया, तो क्या आ गया देखो इसको कर दो सेपरेट डिवाइड, तो 1/t^9 तो t की पावर आ गया माइनस के 9 न्यूमरेटर में, प्लस t^6/t^9 तो क्या आ गया t की पावर -3 dt, चलो उसको कर देते हैं इंटीग्रेशन, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा x की पावर n का, तो x की पावर n+1/n+1 तो क्या आ गया t की पावर -8/-8 तो t की पावर -8/-8 और ये भी आ गया t की पावर -2/-2 तो माइनस मैंने इधर लगा दिया या फिर इधर लगा दो नीचे क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो माइनस तो कॉमन लेना बाहर तो 3/1/8 टी की पावर -8+1/2 टी की पावर -2 ये इसका होगा फाइनल आंसर, चलो देखते हैं और टी की वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ 10x की पावर 1/3 तो जाएगा 10x की पावर -8/3 और 10x की पावर -2/3, अब इसने इसको क्या किया कोट में कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया कोट में, तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी, दिक्कत क्या, ठीक है ना, तो देखो आ गया ना आंसर, एक तो आ गया माइनस तो बाहर है 3/2 की पावर कोटेक्स की पावर 2/3 और 3/8 कोटेक्स की पावर 8/3, तो देन इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, चलो सिंपल क्वेश्चन है, तो पैटर्न पता होना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कौन सी फॉर्मेट यूज करनी, ठीक है चलो अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ दिस पार्ट इज, तो इसमें तो क्या करें जब भी सिंगल लॉग हो इंटीग्रेशन में तो उसका एक ही ऑप्शन है बेटर, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके आईलेट को यूज करें आप, तो चलो करते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आगे 1 लगा दे मल्टीप्लाई में लॉग अंडर रूट 1 - x + √1 + x dx, ठीक है इसको करना है इंटीग्रेट, तो चलो अपन करते हैं इसको फर्दर, तो आगे 1 लगाया इसको तो फर्स्ट लेट करो उसको क्या सॉरी जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसको तो सेकंड फंक्शन लेट करो और जिसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते उसको फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो अपन किसी का भी कर सकते हैं, तो चलो इसको फर्स्ट सेकंड लेट किया तो क्या जाएगा, तो इधर लिख देते आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या गया एक्स लॉग दिस पार्ट एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन तो एक्स आ गया और फर्स्ट का करना है डिफरेंशिएशन, तो पहले लॉग का करोगे तो लॉग का किया तो क्या आ गया अपॉन में 1 + x / (+k) - x, फिर क्या होगा इनटू में इस लॉग के अंदर वाले पार्ट का, तो लॉग के अंदर वाला पार्ट क्या दिस प्लस दिस, तो इसका तो क्या जाएगा 1/2√1 + x, क्या आ गया 1/ इसको थोड़ा प्रॉपर करते ढंग से इधर कर देते ये आ गया आई इक्वल टू फर्स्ट का किया एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स होगा तो एक्स लॉग एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन क्या करोगे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन तो लॉग का तो क्या आ गया अपॉन में आ गया 1 - x + आ गया √1 + x, ये आने के बाद इनटू में क्या करना है लॉग के अंदर वाले पार्ट का, तो रूट का तो क्या होगा 1/2√1 + x, सिमिलरली जब इसका करोगे तो अगेन क्या आएगा 1/2√1 - x, बट माइनस एक्स का माइनस वन होगा तो मैंने माइनस भी लगा दिया साथ के साथ, अब इसको करना ये भी बहुत लंबा चौड़ा मामला है, तो एक काम करो सबसे पहले इसको अपन एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसको एलसीएम, तो जब आप इसको एलसीएम लोगे तो देखो क्या आ गया आई इक्वल टू एक्स लॉग एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन, देखो
एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स। और देखो ये क्या गया, ऐसी हम लोगे तो देखो वन बाई टू तो कॉन्स्टेंट इसको भा ले सकते अपन, तो ऐसी हम लोगे तो ये रूट इधर और ये रूट उधर, तो क्या आ गया रूट वन माइनस एक्स माइनस रूट वन प्लस एक्स। और ये दोनों आपके क्या होंगे एलसीएम, रूट वन प्लस एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स डिनोमीटर में आएगा तो मल्टीप्लाई होके आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया सिंपल। ठीक है, तो बस आपको इसमें हाईलाइट यूज करना है। अब इसको इसे हटा देते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए काफी सारा। अब देखो आगे क्या करना है इसको, x log a gt माइनस के वन बाई टू इंटीग्रेशन। अब आप थोड़ा देखना ढंग से एक काम करते हैं, इसको करने के लिए पहले अपन इस डिनोमीटर से रूट वाले पार्ट को हटाते हैं। तो एक काम करो, इसको न्यूमीटर डिनोमीटर में दिस पार्ट से मल्टीप्लाई, इसके नेगेटिव पार्ट से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसके नेगेटिव पार्ट से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो सीधा लगा जाएगा इसके बाद, तो देखो क्या आएगा, x अपॉन ये तो अपॉन वाला पार्ट a gt है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इनका क्या होगा वो देखो, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इसका मीनिंग क्या है, दिस पार्ट को दिस पार्ट से मल्टीप्लाई किया और न्यूमेरेटर में इसका माइनस वाला लिखोगे तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, वो बाद में लगा देना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा, a + b * a - b, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आ गया, दिस इज a दिस इज b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1 - x वन प्लस एक्स। हाँ, इससे तो आ गया दिस पार्ट, और ये आने के बाद न्यूमेटर में क्या होगा, इस पे स्क्वायर आ गया, तो फॉर्मूला बन गया ना a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स, और यह जाएगा माइनस की टू रूट वन माइनस टू ए बी, तो टू ए बी का मतलब रूट दिस पार्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं, सिंपल। तो क्या किया है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा दिस पार्ट, तो दिस इनटू दिस, तो a माइनस बी इनटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमेरेटर में इसका होल स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर पर b स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2ab करने से आ गया रूट ऑफ दिस पार्ट। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे सभी, ये 1 से 1 तो चला गया, कैलकुलम से बाहर हटाओ तो अपॉन में आ गया माइनस के 2x, तो क्या आ गया इक्वल टू x log दिस पार्ट माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन, ये आ गया माइनस के 2x, तो क्या होगा x तो चला गया प्रोग्राम से बाहर, तो क्या आ गया माइनस के 2, x को हटा दो, रिमेनिंग पार्ट देखो न्यूमेरेटर में क्या है, x से x कैंसिल, तो क्या आ गया 2 माइनस 2 दिस पार्ट, तो 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या आ गया 1 माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और अपॉन में आ रहा है अंडर रूट अगेन 1 माइनस x स्क्वायर dx। अब तो सिंपल है, ये 2 से 2 कैंसिल, इस माइनस को हटाओ तो प्लस कर दो और इसको भी प्लस कर देते हैं। यस सर, ये आने के बाद देखो सिंपल इंटीग्रेशन है आपके, सिंपल एक काम करो, इस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से कर दो सेपरेट इसको डिवाइड, तो जब आप इसको सेपरेट डिवाइड करोगे तो देखो सीधा आंसर आ जाएगा एक्स लॉग ए जी टी प्लस के 1/2, तो बाहर रखो, जब आप सेपरेट डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस तो क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स, अरे इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स पर, ये तो आ गया साइन इनवर्स एक्स, और माइनस दिस अपॉन दिस वन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या जाएगा एक्स प्लस सी। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चलो उसके बाद अपन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन मैच कर लेना कौन सा रहा देख लो, ठीक है ना, तो आगे ना आंसर, एक्स लॉग दिस पार्ट माइनस के एक्स बाई टू प्लस 1/2 साइन वर्स एक्स, तो इसका थर्ड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट fx इक्वल टू दिस पार्ट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b फॉर व्हिच fx हैव ग्रेटेस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू तो बताओ b का इंटरवल क्या होगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है इसमें, पहली बात तो क्वेश्चन में लॉग आ रहा है तो लॉग की कंडीशन जरूरी है लगाना, तो क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0 देन इससे आ गया b स्क्वायर की वैल्यू 2 से ग्रेटर, ठीक है, ये कंडीशन लिखना मस्ट है क्वेश्चन में। ये लिखने के बाद इसमें एरर हो चुकी है, नन ऑफ दीज था ऑप्शन, ठीक है, नन कर देना इसको, नन ऑफ दी,
क्या करना है इसको, नन ऑफ दीज कर देना इसको, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन को b स्क्वायर ग्रेटर देन 2 आ गया। इसके बाद देखो क्या करना है अपन को, इसने बोला गया कि x equal to 1 has the greatest value, तो इसका मीनिंग क्या है, 1 पे वैल्यू ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट वैल्यू एट x equal to 1, तो x equal to 1 पे ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसका मीनिंग जो f of 1 की वैल्यू है वो और वैल्यू से ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन होगी ना। इसको ऐसे बनाना चाहिए प्रॉपर डायग्राम को यूं कि 1 पे वैल्यू आपकी क्या है, ऑलवेज ग्रेटर है। इसका मीनिंग मैं ये लिख सकता हूं ना, f of 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f of 1 प्लस लिख सकते हो या ऑफ लाइक f of 1 माइनस, बताओ ये मीनिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, कि f of 1 प्लस f of 1 इज कि व्हिच हैव ग्रेटेस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे अगर इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो इसका मीनिंग क्या होगा, f of 1 आपका f of 1 प्लस और f of 1 माइनस से भी क्या होगा, ग्रेटर रहा होगा, क्योंकि 1 पे फंक्शन क्या हो रहा है आपका, स्प्लिट होने वाला है, ठीक है ना। तो क्या करें, देखो f of 1 पे वैल्यू तो क्या होगी इसकी, सिंपल x को मैंने इसमें पुट कर दिया, इसमें दोनों चीज होंगी, अगर ये 1 पे आपका क्या है ग्रेटेस्ट वैल्यू रखता है तो f of 1 आपका f of 1 प्लस से भी ग्रेटर होगा और f of 1 आपका f of 1 माइनस से, तो सिंपल सी बात है, 1 पे तो यही फंक्शन है दोनों, 1 और 1 माइनस पे, तो 1 माइनस पे तो ऑलवेज ट्रू होगा, तो केवल आपको इस कंडीशन को और चेक करना है। तो f of 1 प्लस, तो 1 प्लस का मतलब इसमें 1 पुट करने पे क्या आ गया, 10 और 1 11 माइनस 6 5 आ गया, सॉरी 11 माइनस 6 इज 5, एक ग्रेटर देन इक्वल टू f of 1 प्लस, तो 1 इसमें पुट कर दो तो क्या आ गया, माइनस 2 प्लस log 2 b स्क्वायर माइनस 2, तो देखो बेटा क्या करना है, ये तो इधर आ गया, तो क्या आ गया 7 7 ग्रेटर देन log 2 बेस b स्क्वायर माइनस 2, इसको इधर भेजोगे तो क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 64 होगा, 64 होता है ना 2 की पावर 6, उसका डबल 128 और प्लस के 2 करोगे तो 130 आ गया, लो ये आ गया b स्क्वायर लेस देन 130, तो इससे क्या पता चला, b स्क्वायर की वैल्यू 2 से ग्रेटर है और 130 से लेस है, तो देन इनका कॉमन आ जाएगा b स्क्वायर बिलोंग्स टू 2 से 130। बट आपको भी बताना है क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो देखो, b क्या 1 से 2 गलत, b तो ये आना चाहिए, अरे इसको मोड लेके देख लो तो क्या गया रूट 2 से रूट 130, तो रूट 130 की वैल्यू तो काफी ग्रेटर होगी ना, तो ये भी रॉन्ग होगा आंसर आपका, b बिलोंग्स ना, b इसमें थोड़ी ना बिलोंग करेगा, b तो काफी बड़ा इंटरवल है, और ये भी आंसर होगा, तो इसका आपको अभी आंसर फिल करना नन ऑफ दी, चलो नोट करो इसको भी। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन 12 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन अल्फा दिस अपॉन दिस वेयर अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन दिस पार्ट इज, थोड़ा देखो केयरफुली देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका रूट गिवन है आपको लेट अल्फा, तो आपको इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके अंदर देखो ये जो पार्ट अंदर वाला ये क्या है cx स्क्वायर प्लस bx प्लस, मतलब इसमें देखो c और a आपके इंटरचेंज है, देख बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो याद रखें कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका रूट है भी अल्फा, अगर इस इक्वेशन में आप x को 1 अपॉन x रिप्लेस करोगे तो जो न्यू इक्वेशन होगी उसके रूट क्या होंगे, इसके रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, अगर सेकंड रूट आप बीटा ऐड कर दो, तो जब आप इसमें x को 1 अपॉन x रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन क्या जाएगी, देखो cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0, तो देन इसका रूट आ जाएगा 1 बाई अल्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन में, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखो इसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल है, x को 1 अपॉन अल्फा इसमें पुट करोगे तो अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा पुट करने पे क्या बन गया 0 cos 0 1 1 माइनस 1 0, x को 1 बाई अल्फा पुट करने पे ये भी 0 आ गया, तो ये कौन सी फॉर्म में बोलो 0 अपॉन 0 फॉर्म, तो अगर 0 अपॉन 0 फॉर्म में तो एक काम करो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपन सीधा एक इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन अल्फा, 1 का तो 0 cos का करोगे तो क्या होगा माइनस साइन, तो क्या आ गया sin cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इनटू इसका जाएगा 2cx प्लस b अपॉन 1 माइनस x अल्फा, 1 का 0 और x का करोगे तो माइनस k अल्फा, अब आप x को 1 अपॉन अल्फा लोगे
इधर तो कोई नॉर्मल वैल्यू आने वाली है ना, बट एक्स को 1 अपॉन अल्फा जब इसमें पुट करोगे तो इस क्वार्टी का रूट है ना 1 अपॉन अल्फा, इसमें आप 1 अपॉन अल्फा पुट करोगे तो 1 अपॉन अल्फा इस क्वार्टी का रूट है तो ये 0 बन जाएगा, तो sin 0 0 into something is 0, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो बस इसमें मेन कांसेप्ट यही था, ये पता होना चाहिए कि इसका रूट अगर अल्फा है तो a और c को अगर क्वार्टिक में चेंज कर देते हैं तो इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, इसके रेसिप्रोकल होते हैं बेटा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 0 से 2 इंटरवल गिवन है, एक फंक्शन है fx equal to gi फंक्शन इज x2 - x + 1 इज डिसकंटीन्यूअस है, ये बताना है कि किस पॉइंट पे क्या होगा डिसकंटीन्यूअस। तो देखो करते हैं, मतलब आपको 0 से 2 में चेक करना है कि विच पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है। तो देखो इसका बेटर ऑप्शन क्या है, आप इस अंदर वाले फंक्शन का बना लो डायग्राम, फिर उसका क्या ले लेंगे स्टेप। तो ये अंदर वाला फंक्शन क्या है, x2 - x + 1, ये क्या है एक क्वाड्रेटिक है जिसका डायग्राम होगा अपवर्ड पैराबोला, और देखो इसका डी नेगेटिव आ रहा है। अरे इसके वर्टेक्स की बात करोगे तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, -kb/2a -kb/2a -kd/4a। तो देखो इसमें b को माइनस में लेना तो ये आ गया 1/2, समथिंग, तो इसका d नेगेटिव है, इसका मीनिंग इसका डायग्राम क्या होगा अबव द x एक्सिस, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब 100% इसका डायग्राम क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इसका वर्टेक्स, मतलब इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये इसका वर्टेक्स है तो ये पॉइंट कितना होगा इसका 1/2 आ गया। 0 से 2 की बात की गई है तो एक काम करो 2 पे देखो वैल्यू क्या आएगी, 4 3 आ जाएगी 2 पे, 2 पे तो वैल्यू इसकी 3 होगी, ये 3 आ गया। 0 पुट करने पे 1 आ रहा है और 1 एक बार 1 और आने वाला है दोबारा, तो 1 कब आएगा अगेन, 1 पुट करो देखो, हाँ 1 पे दोबारा 1 आ गया। अरे सिंपल सी बात ये है, जीआई फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशियबिलिटी केवल किन पॉइंट पे चेक करते हैं, जहां पे उसका आउटपुट इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर पे जीआई फंक्शन आपका क्या होगा स्प्लिट होगा, तो उन पॉइंटों पे वो क्या होगा नॉन डिफरेंशियबल और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि 0 से 2 में इसकी रेंज क्या आने वाली है। देखो ये आपके क्वेश्चन की डोमेन है 0 से 2, तो 0 से 2 में आपका जो डायग्राम है वो कौन सा है, ओनली दिस पार्ट है, तो इसका आउटपुट क्या रहा है, मिनिमम पे तो आउटपुट ही आएगा 1 से लेस 1 और 2, मतलब इसका मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है 3, क्या रहा है मैक्सिमम आउटपुट 3, और ये आ गया तो इसका मतलब इसके बिटवीन इसका एक इंटीजर 2 भी आ रहा होगा, हाँ है ना। तो चलो वो इंटीजर मान लेते हैं इस पॉइंट पे है, लेट ये पॉइंट है आपका ये सर, आप क्योंकि इसको ईच इंटीजर पे आपको स्प्लिट करना था। आप देखो ब्लैक बोर्ड पे सिंपल, आप जब इसके जीआई फंक्शन का डायग्राम ड्रॉ करोगे, क्या करोगे इसके जीआई फंक्शन का डायग्राम, तो क्या होगा देखो 0 1 अल्फा एंड ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा केयरफुली देखना ये क्यों है। तो एक्स जब आप 0 से 1 लोगे तो 0 से 1 के रेस्पेक्ट में ये डायग्राम है आपका, और इसका आउटपुट क्या 1 से लेस है ना, ये आउटपुट क्या 1 से लेस, तो 1 से लेस का स्टेप क्या जाएगा 0, तो 0 से 1 में तो ये लाइन बनेगी 0 की, तो कंटीन्यूअस लाइन 1 से अल्फा, ये 1 से अल्फा है, इसके रेस्पेक्ट में ये डायग्राम है, तो इसका आउटपुट कितना है 1 से 2, तो 1 से 2 के रेस्पेक्ट में इसका जीआई क्या होगा 1, तो 1 से 2 के रेस्पेक्ट में बनेगी लाइन आपकी 1 की, हां, और उसके बाद 1 से अल्फा में सॉरी, और अल्फा से 2 में इसका आउटपुट क्या होगा 2 से 3, तो उसका जीआई क्या जाएगा 2, तो ये आपकी 2 की लाइन है, 2 को लेना नहीं क्योंकि 2 तो ओपन ब्रैकेट में है ना, तो एक जंप तो आपका इस पॉइंट पे आ रहा है, एक जंप आपका इधर है, मतलब ये 0 से 2 में 2 पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है x = 1 एंड अल्फा, तो ऑप्शन में 1 तो दे दिया था ना, अभी अल्फा लेके आना है, तो अल्फा को फाइंड करने का क्या ऑप्शन है, ये अल्फा क्या है, ये अल्फा क्या है कि जब ये 2 आएगा ना वो आपका अल्फा है, अरे ये 2 था ना, तो 2 के रेस्पेक्ट में वैल्यू अल्फा है, इसका मीनिंग आपको ये देखना है कि x² - x + 1 की वैल्यू 2 कब आने वाली है, तो क्या जाएगा ये x² - x - 1 = 0, तो देन आप क्या करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया x = -1 + √b² - 4ac 5/2, तो जब माइनस लोगे तो अल्फा नेगेटिव होगा, बट अपना अल्फा तो 1 से 2 के बिटवीन है, तो ओनली टेकिंग पॉजिटिव, तो टेकिंग प्लस लोगे तो अल्फा आ गया 1 + √5/2, और देखो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आने वाली है 2.2 3.2/2 1.6 के आसपास, यस सर,
ये 1 से 2 के बिटवीन है, ठीक है ना। तो देन ये आपका इस अल्फा पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। तो इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलो तो आपको जीआई फंक्शन को ईच इंटीजर पे स्टेप करके इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटीन्यूटी आपको चेक करनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ दी कर्व y इक्वल टू 1 माइनस x ax स्क्वायर एंड y इक्वल टू x स्क्वायर आर ऑर्थोगोनली देन a इज इक्वल टू, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि टू आपके कर्व हैं, ये बोथ कर्व्स आर कट दी ऑर्थोगोनली। तो टू कर्व अगर ऑर्थोगोनली कट करते तो इसका मीनिंग क्या है कि उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उनके बिटवीन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो एक काम करें अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड आउट करते हैं, उन पॉइंट पे दोनों कर्व के कॉमन पॉइंट पे आप टेंजेंट का स्लोप लेट करो m1 m2, और m1 m2 आ गया तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी m1 m2 इज माइनस वन, ये पॉइंट आपका p है। तो देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट p को फाइंड आउट करने के लिए काम करो ना, दोनों से y की वैल्यू इक्वल कर दो आप, तो बोथ कर्व से y की वैल्यू को जब आप इक्वल करोगे तो क्या आ गया, x स्क्वायर कॉमन ले लो आप तो क्या जाएगा, 1 प्लस ही तो आ गया, x स्क्वायर तो आ गया 1 प्लस ही, सिमिलरली x आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ दिस पार्ट, तो अपन और सिंपल x स्क्वायर की वैल्यू कर दो ना तो सीधा y आ जाएगा 1 / 1 प्लस ही, खत्म। ये पॉइंट निकाल दिया, x निकालना रूट लेके, तो देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो। अब अपन दोनों कर्व का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट कर्व का dy/dx तो क्या आ जाएगा -2ax, और सेकंड कर्व का dy/dx तो y2 क्या आ जाएगा 2x। ये स्लोप आपका m1 है और ये स्लोप आपका m2 है, तो m1 m2 आपको क्या करना, माइनस वन, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करो क्या आ गया 4ax2 = 1। ये x स्क्वायर की जगह आप x मान लो ना, कि पॉइंट p आपका x1 y1 है, तो आपको dy/dx फाइंड आउट करना पॉइंट p x1 y1 पे, ये लो पॉइंट पुट कर दो x1, तो x1 स्क्वायर आ गया, और ये भी क्या आपका इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो x1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 upon a, तो क्या आ गया 4 upon 1 plus a, तो 1 plus a इधर आ गया, तो इससे a क्या आ गया बेटा 1 by 3। इस टाइप से आपको कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी को यूज करना है, ठीक है, जब भी टू कर क्या करते हैं ऑर्थोगोनली कट करते हैं। चलो तो इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द नॉर्मल ऑफ द कर्व दिस पार्ट एट पॉइंट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक आपको कर्व गिवन है कोई भी नॉर्मल, इस कर्व का x कोऑर्डिनेट गिवन है, इस कर्व पर एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो चलो x पॉइंट को 0 लेट करोगे तो पॉइंट p लाइज ऑन दी कर्व, तो x को 0 लेने पे y क्या आ गया 1, ये पॉइंट p है। अब क्या बोला गया कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द नॉर्मल ऑफ द कर्व दिस पार्ट एट पॉइंट x इक्वल टू 0, तो इस x इक्वल टू 0 पे नॉर्मल क्या होगी, ये तो टेंजेंट है, इस पे नॉर्मल ऐसे होगी ना, और बाद में इस नॉर्मल पे क्या करना, 0 0 से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो चलो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो वो सिंपल है, पढ़ा हुआ है अपन ने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो आप इक्विलिब्रियम नॉर्मल की बात करो, तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नॉर्मल के लिए क्या करोगे, पॉइंट तो पता है आपको, इस टेंजेंट की स्लोप का रिवर्स और नेगेटिव क्या होगा नॉर्मल का स्लोप, तो चलो टेंजेंट की स्लोप के लिए क्या करें, इसका कर दें dy/dx, सिंपल क्वेश्चन, तो क्या जाएगा dy/dx e की पावर 2x का 2 e की पावर 2x प्लस 2x, और बाद में स्लोप किस पे लाना है, पॉइंट p पे, तो dy/dx में पॉइंट p, पॉइंट की में पॉइंट p का मीनिंग x को 0 पुट करना है y को 1, तो x को 0 पुट करने पे स्लोप आ गया 2। चलो आपको नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप पता है 2, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा उल्टा और नेगेटिव को माइनस के हाफ, तो चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1 equal to m minus k half x minus 0, तो क्या जाएगा पता है 2y minus 2, तो x plus 2y minus 2 equal to 0, ये आपकी normal की equation है। इस normal पे 0 0 से distance क्या होगी, 0 0 put करो का mod, point put करो का mod upon root a square plus b square, तो क्या आ गया 2 upon root 5, है क्या कोई option, yes sir, रूट फाइव से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 क्वेश्चन क्या बोला गया कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x व्हिच सेटिस्फाई दिस पार्ट,
आपको x की वैल्यू बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को क्या करती है, सेटिस्फाई। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया तो बच्चों को लग रहा होगा सही क्वेश्चन आपका एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, बट आप इस इनइक्वालिटी को तो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है ये आपकी कैसी इनइक्वालिटी है, ये दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, क्या टू डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। तो देखो इसको कैसे करना चाहिए, इसको एक काम करो इसको सबको लेफ्ट साइड में ले आओ आप, ये नॉर्मल इनइक्वालिटीज नहीं हो पाए क्वेश्चन, इसको करना है कैलकुलस से। अब ये लेट करने के बाद अपन एक काम करते हैं इसको fx कंसीडर कर देते हैं, एक फंक्शन ये fx आ गया x अपॉन 1 प्लस x माइनस log ऑफ। अब इसको चेक करना है कि अपन को ये क्या करना है, इसकी डोमेन की और बात कर लो आप सिंपल। देखो इसमें log आ रहा है तो log की कंडीशन लिख देना 1 प्लस x ग्रेटर देन 0 देन इसकी डोमेन होगी x ग्रेटर देन माइनस। बस आपको ये चेक करना है कि x ग्रेटर देन, आपने अगर ये प्रूव करके बता दिया कि x ग्रेटर देन माइनस 1 में fx लेस देन 0 तो ये तो बात हुई ना, दिस पार्ट लेस देन 0 का मीनिंग दिस पार्ट आंसर जाएगा आपको। और क्या तो क्या करें इसका अपन करते हैं डिफरेंशिएशन। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश इक्वल टू n अपॉन d से करो तो न्यूमरेटर का करोगे डिनोमीटर एजेटिव तो 1 प्लस x एजेटिव x का 1 माइनस x डिनोमीटर का 1 हो गया हटाओ अपॉन में आ गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर डिनोमीटर का स्क्वायर माइनस log का जाएगा 1 प्लस x। यस सर, x से x चला गया तो क्या करना है अपॉन ऊपर बना गए ना 1 तो अगेन आप क्या करो 1 प्लस x के स्क्वायर को ले लो एलसीएम, तो 1 प्लस x के स्क्वायर को एलसीएम लोगे तो इधर तो आ गया 1 और माइनस आ गया 1 प्लस x, 1 से 1 कैंसिल करोगे तो फाइनली आ जाएगा माइनस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब इतना आने के बाद देखो अब क्या करना है क्वेश्चन में, अब थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है आपका, आप f डैश x की नंबर लाइन बनाओ, f डैश x की नंबर लाइन बनाओगे तो देखो क्या होगा, ये आपका 0 पे 0 आ रहा है तो क्या आ गया माइनस प्लस, इसका मीनिंग क्या है कि माइनस वन से जीरो में तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और जीरो से वन में फंक्शन जीरो से ग्रेटर में फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका मीनिंग अपन ये बोल सकते हैं ना, इसका डायग्राम ऐसे है, अरे ये पॉइंट आपका वन है जीरो है ये पॉइंट क्या जीरो तो जीरो पे जीरो आ रहा फंक्शन इधर बनाओ जीरो को तो जीरो पे आपका फंक्शन एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है और जीरो से लेस पे वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब पहले इंक्रीज करेगा बाद में डिक्रीज करेगा, मतलब जीरो पे जो वैल्यू इसकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, हाँ या ना। तो मैं बोल सकता हूँ ना, अरे सिंपल समझो बात को, ये माइनस में कहीं इधर होगा और इन्फिनिटी इधर होगा तो क्या है वन पे क्या दे रहा है लोकल मैक्सिमा, मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू एक्स की रिमेनिंग ऑल वैल्यू से ग्रेटर होगी, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ना कि एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन एफ एक्स। यस सर, कि एफ ऑफ जीरो ऑलवेज क्या होगा एफ एक्स से ग्रेटर होगा, इसका मीनिंग क्या है कि जीरो के अलावा कोई वैल्यू पुट करो उसमें उसका आउटपुट ऑलवेज एफ ऑफ जीरो से लेस होगा और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी पुट कर दो जीरो जीरो लॉग वन इज जीरो, ये लो सिंपल ये आ गया एफ एक्स लेस देन जीरो, इसका मीनिंग ये फंक्शन एक्स की ऑल वैल्यूज के लिए जो डोमेन के अंदर है उसमें लेस देन जीरो होगा। तो हो चुकी इनइक्वालिटी प्रूव आपकी, तो डोमेन क्या है इसकी माइनस वन से इनफाइनाइट, जीरो को लेना नहीं तो देन इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर जाएगा माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो से इनफाइनाइट, तो इसका अभी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है चलो, क्योंकि जीरो पे जीरो आ रहा है ना बट अपन को इसको लेस देन जीरो लाना, इक्वल टू जीरो नहीं लाना, अगर इक्वल टू जीरो होता तो फिर अपन जीरो को भी इंक्लूड कर देते इस केस में। ठीक है चलो, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एक कर्व गिवन है आपको, कौन सा कर्व है ये कर्व है आपका ये इलिप्स की इक्वेशन है क्योंकि कोफिशिएंट अगर सेम है तो फिर सर्किल होगा, अब ये क्या है इलिप्स की इक्वेशन गिवन है देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज, इस एक्सप्रेशन की आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो क्या करना है चीज क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है बट इसमें अलग ही टाइप से सोचना पड़ेगा आपको कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करें। देखो ये जो x कॉमा वाई है ये आपकी इस कर्व पे लाई करते हैं, x कॉमा वाई लाई ऑन दी कर्व इलिप्स पे लाई करते हैं, तो इसका मीनिंग ये हो गया ना
तो एक काम करो, ये पॉइंट एक्स वाई अगर इलिप्स पे लाई करते हैं तो अपन इलिप्स पे एक पॉइंट लेट कर देते हैं, और वो पॉइंट क्या लेट करते हैं आपको पता होगा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, हाँ है ना। अब चलो आपको इलिप्स के बारे में आईडिया नहीं, कोई बात नहीं, आप इस कर्व पे ऐसा पॉइंट लेट करो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखो इसमें से अगर इसको 4 को हटा दी जाए तो एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर पे पॉइंट लेट करना है और इधर बना रहा है, तो सिंपल ले लो ना कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, हाँ है ना, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। बट ये 4 आ रहा है तो 4 का कैंसिल हो सकता है, जब आप पॉइंट मानोगे 1/2 कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। देखो x को 1/2 cos थीटा पुट करोगे तो 1/4 cos स्क्वायर आ गया, तो 1/4 चला गया, तो cos स्क्वायर थीटा पर sin स्क्वायर थीटा बना गया। मतलब अपन क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू पूछी गई है इसको sin cos में कन्वर्ट करके अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट से देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। तो चलो मैं x और y को पुट कर देता हूं, दिस इज x और दिस इज y, तो x और y की वैल्यूज को जब आप इसमें पुट करोगे तो क्या आ गया, x स्क्वायर क्या जाएगा 1/4 cos स्क्वायर थीटा, 1/4 तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा, यस सर, प्लस ये 1/2 होगा, तो अगर ये 1/2 है तो क्या आ गया 8 sin थीटा cos थीटा। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड में 3 कॉमन, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। अब सिंपल एक फॉर्मेट है आपको पता होगा, ये cos 2 थीटा है तो उधर वाले को sin थीटा मिला होगा, तो 8 में से 4 तो बाहर लो और 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो ये कौन सी फॉर्मेट है आपको पता होगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की रेंज क्या होती है, माइनस रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर, याद रखें आप सभी, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, बस इसमें ये फिक्स है, ये दोनों थीटा सेम होनी चाहिए, वो कुछ भी हो जाए दोनों सेम है, तो इसकी जो रेंज है वो क्या होगी बोलो, इधर मिनिमम वैल्यू तो आती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन भी वो करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो अभी इसकी पूछ रही है मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखोगे, लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ कितनी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 9 और 5 9 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 16 इज 25, तो देन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बोलो 5, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस के 5, ठीक है, तो देन इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलो उसके बाद 18 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, आपको देखना है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है, तो थोड़ा केयरफुली करना है क्वेश्चन को, वन बाय वन ऑप्शंस को देखना है। तो आओ सभी, फर्स्ट कुछ ऑप्शन तो क्या है, fx इक्वल टू sin x 0 से 2 पाई है वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मीनिंग जिस पे कर्वेचर चेंज होगा फंक्शन का, तो जब भी आपको क्या करना है, फिक्स मेथड है, किसी भी फंक्शन का कर्वेचर चेक करना है, कर्वेचर का मतलब है कॉनकेविटी, जब भी आपको कॉनकेविटी चेक करनी है तो कॉनकेविटी को देखने का क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि f डैश x की जो लाइन है नंबर लाइन उस पे साइन डज नॉट चेंज, और डबल डैश की स्कीम पे साइन चेंज होना चाहिए, तो वो पॉइंट क्या होंगे आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अगर फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल है फिर डबल डैश को डबल डैश की वैल्यू अपन सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट करते हैं, एक तरफ डबल डैश LHD बोल सकते हो डबल डैश में, उससे करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो अभी तो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में fx है तो उसका f डैश कितना जाएगा बताओ, cos x, और इसका डबल डैश क्या जाएगा cos x का अगेन माइनस sin x। तो देखो आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना, 0 से पाई की बात करोगे आप, 0 से पाई में sin x पॉजिटिव है, मैं डबल डैश की लाइन स्कीम बना के समझ लेता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 0 पाई और 2 पाई बस इतने ही सफिशिएंट है, 0 से पाई में आपका sin x पॉजिटिव है तो माइनस sin x नेगेटिव होगा, ये तो आ गया माइनस, पाई से 2 पाई में sin x नेगेटिव है तो माइनस sin x आपका पॉजिटिव होगा, मतलब डबल डैश में पाई पे sin आपका चेंज होगा, इसका मीनिंग पाई पे ये कॉनकेविटी चेंज होगी आपकी, ये देख सकते हो। अगर आपको f डैश x से देखना है तो उसका भी ऑप्शन है अपने पास, ये लो 0 पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, देखो ब्लैक बोर्ड में थोड़ा केयरफुली देखना, cos x 0 से पाई बाय 2 में cos पॉजिटिव प्लस आ गया, पाई बाय 2 से पाई में सॉरी पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव, मतलब इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में अगेन पॉजिटिव, तो देखो
पाइप इज साइन डज नॉट चेंज, आगे ना पाइप इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। और आप डायग्राम से भी देख सकते हो साइन एक्स का डायग्राम 0 से 2 पाई में कैसे हुआ ऐसे, तो देखो 0 से पाई में तो डायग्राम कॉनकेव डाउनवर्ड है, फिर कॉनकेव अपवर्ड है, तो बताओ पाइप इसकी क्या है, कॉनकेविटी चेंज होगी, तो क्या आंसर आ गया, पाई आ गया ना। उसके बाद दोबारा देखो इसको आगे अगर और बनाओगे दोबारा, तो देखो पाई से 2 पाई में कॉनकेव डाउनवर्ड है, पाई से 3 पाई में कॉनकेव, सॉरी ये कॉनकेव अपवर्ड है, ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, इसका मतलब 2 पाई पे भी इसकी कॉनकेविटी चेंज होगी, मतलब n पाई पे x = n पाई पे इस फंक्शन की कॉनकेविटी ऑलवेज चेंज होती है। तो अभी तो आपको 0 से 2 पाई के बीच में बात करोगे, तो ये पाइप पे क्या होगा, कॉनकेविटी चेंज होगी, मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड से कॉनकेव अपवर्ड में जा रहा फंक्शन आपका। तो आप डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन में डायग्राम हेल्पफुल नहीं होगा। अब ऐसे आप करके देखना घर जाके, अगर sin x की जगह sin स्क्वायर x कर दी जाए तो फिर sin स्क्वायर का डायग्राम वो शेप तो ऐसी होती देखने में, बट वो इसमें पाई बाई फोर और थ्री पाई बाई फोर पे कॉनकेविटी को चेंज करता है, ठीक है, वो करके देख रहा हूं। चलो तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसका सही होगा ना। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, हैड वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक्स अगर पॉजिटिव होता है एफ एक्स का वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा क्या, तो क्या करें एफ डी एस कर दें इसका, तो इसका एफ डी एस देखो क्या आएगा, 12x³ - 12x² देन 12x² कॉमन आ गया तो ये आ गया x माइनस वन। तो अभी तो केवल क्या बोला गया, देखो ये 0 पे 0 है, 1 पे 0 है, प्लस माइनस माइनस, तो देखो वैसे तो अगर मैं इसमें से ये हटा देता हूं ना x greater than 0, तो फिर तो क्या होगा 0 पे साइन डज नॉट चेंज एफ डी एस का, तो 0 पे क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बट क्वेश्चन में क्या लेना है x greater than 0, तो अपन इससे कुछ नहीं बोल सकते, तो फिर इसका डबल टेस्ट करते हैं। फिक्स है, जब भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबल है और आपको कॉनक्यूटी चेक करनी है, मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो एफ डेस एक्स और डबल डेस एक्स करें, एफ डेस एक्स की साइन स्कीम में साइन डज नॉट चेंज और डबल डेस की स्कीम में साइन आपका चेंज होना चाहिए, पता होगा आपको। तो डबल डेस करने पे क्या गया, 36x² - 24x, तो देन 12x जब कॉमन लोगे तो क्या गए 3x - 2। अब आप देखो ब्लैक बोर्ड पे 0 पे 0 आ रहा है, ये 2/3 आ गया, पावर 1/1 है, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, तो डबल डेस में 0 पे भी साइन चेंज हो रहा है और 2/3 पे भी साइन चेंज है, तो इसके अकॉर्डिंग तो टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे 0 एंड 2/3। अगर डोमेन आर बोली जाए, बट क्वेश्चन में मेंशन है एक्स केवल पॉजिटिवली बात करोगे, तो इसमें एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा x = 2/3, मतलब जब आप इसका डायग्राम बनाओगे ना x belongs to r के लिए डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इसका 0 और 2/3 पे क्या होगा कर्वेचर चेंज होगा, मतलब कॉनकेविटी चेंज होगी और रिमेनिंग इंटरवल में कॉनकेविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलो तो इसका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा, सेम थर्ड ऑप्शन है, थर्ड में क्या करें इसका एफ डी एस कर देते हैं, तो क्या जाएगा 1/3 एक्स की पावर माइनस के 2/3। तो देखो मैं आपको एफ डी एस से भी बता सकता हूँ, डबल डी एस से भी देख सकता हूँ, देखो एफ डी एस इसको प्रॉपर लिखते समझाने के लिए 3x² - 2/3 नंबर लाइन बनाओ, ये 0 पे 0 आ रहा, देखो अरे एफ डी एस देखना है ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसको देखो ये कहां चेंज होगा, 0 ले लेते हैं, जब आप x को 0 से ग्रेटर लोगे ये पावर 2/3 है, तो 0 प्लस भी पॉजिटिव बन जाएगा, 0 से नेगेटिव लोगे तो 2 अंदर जाके, अरे 2/3 को ऐसे लिख सकते हैं ना x² + 1/3, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो वैल्यू है ना ये हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब 0 पे साइन चेंज नहीं होगा, इसका मीनिंग 0 पे ये फंक्शन क्या होगा है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब आप डबल डैश की साइन इसकी बनाओगे तो डबल डैश में 0 पे साइन चेंज होगा, तो अगेन 0 पे क्या होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो सेम ही आंसर आएगा सही, बस इसका डायग्राम देख सकते हो चाहो तो। देखो 0 पे आप बात करोगे ना तो 0 पे वैल्यू 1/∞ की तरफ टेंड करती है, मतलब 0 पे क्या है इसकी, 0 पे क्या होगा ये वर्टिकल टेंजेंट, 0 पे क्या होगा इसका डायग्राम पता है कैसे होगा, ऐसे ही ये टच करके जाएगा, इधर टच करके जाएगा ये, तो देखो ये कॉनकेव अपवर्ड है बाद में कॉनकेव डाउनवर्ड है, सही है ना, तो टेंजेंट क्या है इसकी y एक्सिस है, तो y एक्सिस को टच करना चाहिए, इधर तो ऐसे टच कर गया, इधर ऐसे टच, इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो कॉनकेविटी चेंज है ना अपवर्ड से डाउनवर्ड, तो 0 पे भी क्या होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट रखेगा 1, तो 1 पॉइंट बोला गया, इसमें भी 1 पॉइंट है, तो ये ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसने पूछा इनकरेक्ट ऑप्शन, तो नन ऑफ दी आंसर इसका फिल करना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर
19, ये भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्या माहौल बनाया इसने। fx गिवन है sin की पावर 5x + cos की पावर 5x - 1, x गिवन है 0 से पाई बाय 2, स्टेटमेंट गिवन है आपको s1 s2 s3, देन स्टेटमेंट s1 s2 s3 इज TTT मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स टू फॉल्स कौन सा पेयर है, वो आपको ऑप्शन में टिक करना है। तो देखो अपन बाय बाय में देखते हैं, आपको बोला गया कि 0 से पाई बाय 2 में हैज टू रूट्स, तो सिंपल देखो इसमें सिंपल दिख रहा है, x को जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 आपका 0 है और f ऑफ पाई बाय 2 आपका 0 है, मतलब द इक्वेशन fx इक्वल टू 0 है टू रूट्स। ये सही बात है कि fx इक्वल टू 0 का 0 से पाई बाय 2 में टू रूट्स होंगे। अब आप बोलोगे सर इसके बीच में भी तो हो सकते हैं, क्या पता, तो उसके लिए क्या करना है, देखो एक बार इसका अपन कर देते हैं डिफरेंशिएशन f dx, तो देखो इसका f dx क्या आने वाला है, करो बेटा sin की पावर 5x का 5, sin की पावर 4x cos x, cos की पावर 5 का करो क्या आ जाएगा minus 5 cos की पावर 5x sin x और 1 का 0 हटाओ, चाहो तो इसमें आप 5 sin x cos x कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ गया sq minus cq। तो अब आप देखो ये f dash x है, ये किन किन पॉइंटों पे 0 आ रहा है, इसके फैक्टर करोगे ना तो क्या आएंगे, दोबारा लिख सकते हो 4 sc aq minus bq s minus c s square plus c square plus sc, देखो ये s upon c भी क्वाड्रेटिक है, इसका तो d नेगेटिव है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे सभी, ये f dash x की नंबर लाइन की बात चल रही है, इसमें x आपका 0 से पाई बाय 2 पे मिलने, तो 0 पुट करोगे sin 0 तो 0 पे 0 आ गया, x को पाई बाय 2 लोगे तो इस बार cos पाई बाय 2 0 अगेन 0 आ जाएगा, और देखो तो ये 0 पे 0 है, cos पाई बाय 2 पे 0 है, sin minus cos की वैल्यू 0 को होगी पाई बाय 4 पे लो, ये f dash x है, तो f dash x आपका 3 पॉइंट पे 0 आ रहा है, एक बात बताओ f dash x आपका 3 पॉइंट पे 0 है तो इसका मीनिंग क्या होगा, f dash 0 equal to f dash pi by 4 equal to f dash pi by 2, तो इसका मीनिंग क्या बताएं आप, ये सबने पढ़ा होगा ना कि f dash x अगर 3, ये रॉस थ्योरम को यूज करना है, रॉस थ्योरम क्या बोलती है कि f of a और f of b इक्वल है तो f dash x has at least one root in a to b, कि f dash x का उसके नेक्स्ट डेरिवेटिव का उस इंटरवल में at least one root होगा, तो देन अपन क्या बोल सकते हैं, ये f dash 0 है, ये f dash pi by 4 भी आपका 0 है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 0 से π/4 में 100% बेटा f डबल डैश x आपका क्या रहा होगा 0, सिमिलरली f डैश π/4 0 f डैश π/2 0, तो अगेन x बिलोंग्स टू π/4 से π/2 में भी बेटा f डबल डैश x 100% क्या रहा होगा 0, तो वन रूट तो इसका 0 से π/2 में होगा और सेकंड रूट इसका π/2 से π/4 में होगा, हां है ना, ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, और तो ज्यादा क्या बताया जाएगा, और तो ये देख सकते हो, देखो ये पाई बाय 4 है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन कोस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, 0 से पाई बाय 4 में कोस ग्रेटर तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो जब आप fx के डायग्राम की बात करोगे तो देखो 0 पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 4 में तो sin x आपका, सॉरी ये जो फंक्शन है fx, ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, तो 0 पे 0 आ रहा है, पाई बाय 2 पे 0 है, तो 0 पे 0 है, पाई बाय 4 पे आपका f dash x 0 आ रहा है, तो 0 से पाई 4 में डिक्रीजेंगे तो वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी फंक्शन की, और बाद में फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो इसके 3 रूट्स होंगे, ठीक है ना, तो इस डायग्राम को थोड़ा प्रॉपर बनाओ तो ऐसे बनाना, देखो ऐसे fx का अगर एग्जैक्ट डायग्राम चीज, देखो 0 ये पाई बाय 2 है, सॉरी पाई बाय 4 है, ये पाई बाय 2 है, आपको पता है f dash pi by 4 0 आ रहा मतलब 0 पे pi by 4 पे फंक्शन आपका कर्व चेंज करेगा, तो देखो 0 से pi by 4 में डिक्रीजिंग है, फिर pi by 4 से pi by 2 में डिक्रीजिंग है, फंक्शन fx की बात चल रही है, f of 0 0 f of pi by 2 0 और f dash pi by 4 क्या है 0 है ना, टेंजेंट का स्लोप 0 है, तो ओनली 0 से pi by 2 में fx के टू ही सॉल्यूशन होंगे 0 एंड pi by 2, तो देखते हैं हम ऑप्शंस क्या-क्या हैं इसके, तो ये याद होना चाहिए, इसको हटा देते हैं एक बार, इक्वेशन fx 0 है टू रूट, सही है क्योंकि ओनली इसके दो रूट थे, उसके बाद
देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। हां 0 से पाई बाय 2 में एक ऐसा सी 100% होगा जहां f डैश सी 0 आया था ना, x इक्वल टू पाई बाय 4 पे f डैश पाई बाय 4 आपका 0 था। f डैश x इक्वल टू 0 है एट लीस्ट टू रूट इन 0 पाई बाय 2। हां ये इसमें डबल डैश है, इसको ढंग से दिख नहीं रहा, इसमें f डबल डैश x है, तो f डबल डैश x इसमें क्लियरली है नहीं, इसमें मिक्स हो गया बेटा। f डबल डैश x इक्वल टू 0 है एट लीस्ट टू रूट इन 0 से पाई बाय 2। हां 0 से पाई बाय 2 में f डबल डैश x के टू रूट होंगे, वो अभी हमने रॉस थ्योरम से देखा था। ठीक है चलो, तो इसका ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, तो स्टेटमेंट s1 s2 s3 ऑल थ्री करेक्ट हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा ट्रिपल टी, क्या आंसर आएगा t, 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 तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। देखो क्वेश्चन 20 में क्या बोला गया, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन करना, देखते हैं इसको। देखो उसमें ढंग से क्या करना है, ये जो x e की पावर x है इसका जब आप डिफरेंशिएशन देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, x e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो एक बार, 1 प्लस x e की पावर x, क्योंकि e की पावर x तो कॉमन आ गया ना, तो देखो बेटर ऑप्शन क्या है इसमें, न्यूमरेटर में आ रहा 1 प्लस x, तो क्या करो इसको e की पावर x से कर देते मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इंटीग्रेशन आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 e की पावर x dx अपॉन x e की पावर x 1 प्लस x। मेरी बात को थोड़ा केयरफुली देखना, आपको इसमें यूज करना सब्स्टिट्यूशन, ये आपको दिखना चाहिए x e की पावर x से, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या है 1 प्लस x e की पावर x, व्हाट इफ न्यूमरेटर में e की पावर x की रिक्वायरमेंट, आप क्या करो उसको e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये करने के बाद जब आप इसको पूरे को टीलेट करोगे, कंप्लीट को टीलेट कर दो 1 प्लस x e की पावर x को, तो चला गया dt में, तो क्या आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन x e की पावर x थी वैल्यू, तो क्या होगी t माइनस में, और ये आ गया t स्क्वायर, बस इसको आपको क्या करना है इंटीग्रेट। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, अब इसके बाद देखो एक ऑप्शन तो क्या पार्शियल फ्रैक्शन है ना, a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t प्लस c अपॉन t स्क्वायर, ये तो सिंपल मेथड है, बट इसमें थोड़ा लेंथी पड़ेगा, एबीसी की वैल्यू इसमें देखो थोड़ा टेक्निक लगाते हैं, ये t माइनस 1 है ना, तो इसको ऐसे लिखो एक बार, इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे t माइनस 1 माइनस t, एक बार देखो अभी करते हैं, ये जबरदस्ती लिख दिया मैंने, ये पहले t को पहले लेते कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर 1 है ना, इसको लिखो आप एक बार t माइनस 1 को जबरदस्ती क्या लिख दिया मैंने t माइनस, इन दोनों की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये क्या है, सब प्रैक्टिस की बात है कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो एक तो मेथड है प्रॉपर एबीसी लेट करके, एक कुछ आप अपने अकॉर्डिंग सोच के लिए कर सकते हो, ये लिखने से कोई बैलेंस होगा, क्योंकि टी से टी तो वन आ गया ना। अब क्या कर दो, दोनों को कर दो सेपरेट डिवाइड, इसमें इससे डिवाइड कर दो, एक टी कैंसिल, तो आ गया 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी, और माइनस इस बार टी माइनस 1 कैंसिल, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या। ये आने के बाद बेटा अगेन आप इसमें क्या लगा सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसमें अगेन आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे तो देखो क्या आ गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस के 1 बाई t, तो देखो आप जब आप इसको अगेन एलसीएम लोगे तो अगेन आ गया ना 1 अपॉन t माइनस 1 इनटू t, और माइनस आ गया 1 बाय t स्क्वायर इनटू dt, तो चलो अपन अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन t का log ऑफ t माइनस 1 बाई t का अगेन log t, और माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर का माइनस के 1 अपॉन t, तो देन दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाई t, तो क्या आ गया इक्वल टू log a माइनस log b का फॉर्मूला log a अपॉन b, तो ये आ गया log t माइनस 1 अपॉन t, और t की वैल्यू पुट करोगे आप x e की पावर x प्लस 1, तो इसमें से तो x कैंसिल हो गया e की पावर x, तो x e की पावर x, और इधर आ गया 1 प्लस x e की पावर x, और प्लस 1 अपॉन t की वैल्यू अगेन पुट करो तो क्या आ गया x e की पावर x प्लस 1, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन मैच करने वाला, तो ये क्या है आंसर, log, देखो आ गया log x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x e की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस e की पावर x,
तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अपन अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन डी की। चलो उसके बाद देखते हैं सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है कि लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑल एक्स, एफ ऑफ वन आपको 20 गिवन है एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 1 से 6 कि 1 से 6 में एफ डैश एक्स आपका 2 से ग्रेटर है तो देन लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 6 कैन बी। तो देखो क्या करते हैं इसमें, अभी क्वेश्चन थोड़ा समझ में आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए। आपको गिवन है क्वेश्चन में कि एफ डैश एक्स आपका 2 और 2 से ग्रेटर है और वो ओनली कब है एक्स बिलोंग्स टू 1 से 6 में। तो अब आपको जो भी कुछ करना है वो 1 से 6 में करना है क्योंकि 1 से 6 में आपको एफ डैश एक्स डिफाइन है। तो देन आपको क्या करना है एफ ऑफ 6 की वैल्यू की बात चाहिए। तो एक काम करोगे इस क्वेश्चन में, इसमें आप एक्स बिलोंग्स टू 1 टू 6 के इंटरवेल में एलएमवीटी थ्योरम को अप्लाई करना है, यही इसमें कॉन्सेप्ट है। एलएमवीटी थ्योरम क्या होती है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। भाई रोज थ्योरम तो कब एप्लीकेबल है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपका इक्वल है, फिर तो आप लिखते हो एफ डैश सी जीरो रोज थ्योरम के अकॉर्डिंग। और एलएमवीटी थ्योरम को कब एप्लीकेबल है कि जो टू पॉइंट गिवन है उन पे वैल्यू आपको अनइक्वल गिवन है, एफ ऑफ 1 तो 20 गिवन है, एफ ऑफ 6 पता नहीं क्या होगा, तो आप क्या करोगे उस केस में रॉस एलएमवीटी थ्योरम को अप्लाई करोगे। तो देखो क्या जाएगा इससे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1, ये लो एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 5 आ गया। और सुनो ये सी क्या है, सी आपका 1 से 6 के बिटवीन एनी पॉइंट है, तो यही तो आपका एफ डैश सी है ना, एफ डैश सी है, तो ये वैल्यू आपको बोली गई 2 से ग्रेटर। तो क्या आ गया देखो एफ ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 2 10 आ गया और f ऑफ 1 को दलाओगे तो प्लस f ऑफ 1 और f ऑफ 1 कितना है 20। तो देन आप बोल सकते हो कि f ऑफ 6 की जो पॉसिबल वैल्यू वो आपकी क्या होगी 30 और 30 से ग्रेटर। तो इसने पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो 30 इसका आंसर फिल करना है। तो बस यही कांसेप्ट है कि इसमें एलएमवीटी थ्योरम को आपको अप्लाई करना है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन, then number of parallelogram that can be drawn with these three vertexes are। देखो क्या करना है, ये 3 point given है, let ABC, अब आपको इन 3 points की help से क्या करना है parallelogram draw करना है। चलो इन point को C को उधर मान लेते हैं, इससे बन गया एक triangle। अब आपको parallelogram draw करना है, तो parallelogram का meaning क्या होगा कि opposite sides are parallel। तो देखो अगर आप parallelogram draw करोगे With the help of ABC, तो fourth vertex edge आप let करोगे, तो बस ये देखना है कि fourth vertex edge को आप कितने way से choose कर सकते हो। तो देखो, अगर आप AB के parallel बात करोगे, तो एक point अपन इधर ले सकते हैं, जो क्या होगा इस BC के parallel होगा, और ये simple सी बात है, ये इस point को भी meet करना चाहिए, हाँ है ना? तो एक ही point हो सकता है जो AB, BC और ए बी की क्या होना चाहिए पैरेलल। अगर आप पॉइंट को थोड़ा आगे लोगे तो आपको सोचो जो पॉइंट इसके पैरेलल है फिर वो उस लाइन के पैरेलल नहीं होगा। एक बात बताओ, इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले लिया आपने तो क्या होगा, ये बी सी की तो पैरेलल होगा बट ए बी के पैरेलल नहीं होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिमिलरली अगर आप इधर जाओगे तो देखो ए सी के पैरेलल लेना है, तो ए सी के पैरेलल आप क्या लोगे, ऐसे लोगे। अब सिंपल ऐसे देखो ना, आपको एक पॉइंट लेट करना है, तो देखो ऐसे लेट करो, पैरेलोग्राम का मीनिंग है एसी के पैरेलल एक लाइन लेनी है जो पॉइंट बी से पास होगी, ये लो। और सिमिलरली इस बार एबी के पैरेलल एक लाइन लोगे जो पॉइंट सी से पास होगी, तो वो ऐसे बनेंगे ना, तो बस एक ही पॉसिबिलिटी होगी। यही काम इसमें देख लो, एबी के पैरेलल लाइन लेनी है आपको, तो इसमें क्या करोगे, इस बार अपन को इसकी हेल्प से नीचे की तरफ बनाना है। तो नीचे की तरफ क्या करना है, देखो ये तो फिक्स है आपका, एक बार बीसी के पैरेलल हो गया, तो BC के पैरेलल हो गए आप, अपन को लेना है इस टी दोनों पॉइंटों से पास कराना है, तो BC के पैरेलल हो गए तो ये लाइन ऐसे जाएगी, BC के पैरेलल एक लाइन है जो A से पास होगी और B से पास होने वाली लाइन जो AC की पैरेलल, तो वो आपकी इधर होगी। तो देन ये 3 पैरेलोग्राम्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, इसने पूछा गया नंबर ऑफ पैरेलोग्राम्स, उसका 3 आंसर फिल करना है। चलो बस एक आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है इस क्वेश्चन में। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है,
कि the distance of the point 2,5 from the line 3x plus y plus 4 equal to 0 measured parallel to the line 3x minus 4y plus 8 equal to 0. तो देखो क्या करना है क्वेश्चन में, एक पॉइंट गिवन है आपको 2,5, इस पॉइंट की एक लाइन गिवन है बेटा 3x plus y plus 4 equal to 0. इससे आपको क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. तो इसमें दो चीजें हो सकती है. अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 2,5 की ओनली इस लाइन से डिस्टेंस बताओ, फिर तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो. बट अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 2,5 की इस लाइन से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है मेजर्ड पैरेलल टू दी लाइन दिस पार्ट. इसका मीनिंग क्या है कि जो इस सेकेंड लाइन है वो इस फर्स्ट लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट. तो लेट वो ऐसे क्या करती है, इंटरसेक्ट. और दिस इज 3x माइनस 4y plus 8 equal to 0, ये लाइन है. अब क्या करना है, इस पॉइंट की इस लाइन L से आपको क्या करनी है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है मेजर्ड पैरेलल टू दी L1. तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी, दिस पार्ट. तो क्या करना है इसकी, लेट ये पॉइंट P है, ये लेट पॉइंट A है. तो आपको PA डिस्टेंस को करना है फाइंड आउट. तो देखो इस क्वेश्चन को करने के टू ऑप्शंस हो सकते हैं. एक ऑप्शन तो क्या है, ये जो लाइन है आपकी PA L1 के पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप है 3/4 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई. तो क्या आ जाएगा बेटा, 3/4. इसका मीनिंग इस लाइन का जो स्लोप है वो भी क्या होगा, 3/4. तो एक ऑप्शन तो क्या है, आप इजीली इस लाइन पे पॉइंट गिवन है इसका स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ एपी लिखें, आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ एपी और लाइन एल को सॉल्व करो, तो देन वी विल गेट पॉइंट ए एंड डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो पीए के बिटवीन. तो आप इजीली पीए डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो. एक ऑप्शन तो ये. और इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या, देखो अब क्या करो, इसमें पॉइंट पी से लेट आर डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट पी लेट किया, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेट किया ए, तो आप क्या करो पैरामेट्रिक फॉर्म से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो. तो आपको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करोगे कि एक लाइन 2,5 से पास होती है, उससे आर डिस्टेंस पे आपको पॉइंट लेट करना है. तो इक्वेशन इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y minus y1 upon sin theta equal to plus minus r. Then क्या करना है, तो x minus 2 upon, हाँ देखो ये sin और cos क्या है, इस लाइन के tan theta से निकालना है आपको. sin cos क्या है, इस लाइन का x के साथ जो inclination है उसका sin और cos लेना है आपको. तो देखो इस लाइन का स्लोप गिवन है आपको 3/4, मतलब आपको इस लाइन का tan theta पता है, इस लाइन का tan theta गिवन है आपको 3/4. तो देन आप क्या कर सकते हो, ट्रायंगल से ये 3 है ये 4 है तो ये 5 आ गया ना. तो सिंपल एक काम करते हैं, cos theta की वैल्यू तो पुट करोगे 4/5 और सिमिलरली y minus y1 upon sin theta की वैल्यू 3/5 इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 5. आप फर्स्ट को r से कंपेयर करोगे तो देन पॉइंट x क्या होगा, देखो 2 प्लस माइनस 4r/5. सिमिलरली पॉइंट y क्या होगा, इन दोनों से 5 प्लस माइनस 3r/5. आफ्टर दैट क्या करना है, ये क्या है पॉइंट r डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट लेट किया a. अब पॉइंट a लाइज ऑन द लाइन दिस पार्ट. तो अब क्या करो, इस पॉइंट a को लाइन में पुट कर देते हैं. तो देखो पॉइंट a को लाइन में पुट करते हैं, तो एक बार तो बात करते हैं टेकिंग प्लस से. तो जब टेकिंग प्लस लेके पुट करोगे तो क्या आ गया, 3x की वैल्यू क्या होगी, 6 प्लस 12r/5 प्लस y की वैल्यू 5 प्लस 3r/5 और प्लस 4 इक्वल टू 0. तो देखो उसको सॉल्व करके देखते क्या आएगा. तो देखो बेटा 6 और 5 11 और 4 15 आ गया ना, हाँ. और ये कितना आ गया, देखो 5 LCM 12r और 3r 15r/5 3r plus 15 equal to 0, then 3r plus 15 आपका 0 है, तो इससे r equal to क्या जाएगा, minus 5. अब अपन को तो distance पता नहीं है ना, अब आप बोलोगे सर distance minus 5 कैसे है, ये जो parametric form पढ़ते हैं अपन this part, इसमें plus minus का use क्या है, कि point अगर line के downward है तो r की value negative होती है और point upward है तो r की value positive होगी, ठीक है ना. तो अपन को ओनली इसके मैग्नीट्यूड पे काम करना है, क्योंकि है ये जो पैरामीटर फॉर्म में आ रही है एक्चुअल डिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है. बस प्लस माइनस का लॉजिक ये कि पॉइंट आपका लाइन की बिलो है
तो माइनस लेते हो, पॉइंट अप है तो प्लस लेना है आपको, ठीक है। तो देन इसके अकॉर्डिंग एपी डिस्टेंस क्या होगी, 5, तो आपको 5 आंसर इसका फिल करना है, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है और एक अच्छा मेथड है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है। क्वेश्चन 4 में बोला गया है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, आपको 2 कर्व गिवन है, इनके बिटवीन आपको मिनिमम डिस्टेंस को करना फाइंड आउट। तो देखो कैसे करोगे, फर्स्ट कर्व तो गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, और सेकंड कर्व को अगर आप ध्यान से देखते हो तो देखो इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है और x y की टर्म डज नॉट प्रेजेंट, देन इट्स रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो एक काम करते हैं, इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना देते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, 9 से डिवाइड किया तो 3 से आ गया, तो इससे पता चल गया कि सर्किल का सेंटर क्या होगा, 0, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y के कोएफिशिएंट का हाफ का नेगेटिव, तो दिस इज 5/3। अब देखो क्वेश्चन में करना है क्या, बेसिकली ये एक सर्किल गिवन है आपको और ये कोई भी कर्व है ऐसे, अब फर्स्ट कर्व की सेकंड कर्व से मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो आप सबको पता होगा कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व लाइज बिटवीन देयर कॉमन नॉर्मल, कि टू कर्व के बिटवीन जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ऑलवेज उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करती है। सिंपल सी बात ये है कि ये पता है अपन को कि सर्किल का जो नॉर्मल है इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो देन जब आप कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा, सर्किल के सेंटर से पास कराना, ठीक है ना, ये इसका बिहेवियर होगा। तो ये अगर इस सेकेंड कर्व का, इस सीवन कर्व का भी नॉर्मल है तो इस पॉइंट पर आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, टेंजेंट। तो अब आपको बेटा ये मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, जिसे ये क्या होगी इसकी मिनिमम डिस्टेंस। तो एक बात सुनो, कैसे भी करके अगर ये पॉइंट पी आप फाइंड आउट कर दो, ये सर्किल का सेंटर है, लेट ये पॉइंट आपका ए है, तो पॉइंट पी आने के बाद सीपी डिस्टेंस में से अगर ये रेडियस को सेपरेट करोगे तो देन वी विल गेट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पी ए, यस सर। तो देखो क्या करना चाहिए, एक ही काम पे फोकस करना है, पॉइंट पी को फाइंड आउट। एक काम करते हैं अपन, ये जो फर्स्ट कर्व है आपका y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, इस पे एक आर्बिट्री पॉइंट लेट करते हैं। तो एक बात सुनो, जब भी किसी कर्व पे पॉइंट लेट करना है तो आप ट्राई करो उसको सिंगल पैरामीटर फॉर्म में। तो देखो ये 2 और 3 ना पावर, तो एक काम करें अपन x कोऑर्डिनेट लेट करते हैं अल्फा स्क्वायर, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा स्क्वायर लेट करोगे तो अल्फा की पावर 6 आ गया, तो y आ गया अल्फा क्यूब, यस सर। तो ओनली सिंगल वेरिएबल में आप पॉइंट को लेट कर सकते हैं, x लेट करो, x की वैल्यू पुट करोगे तो उसी पैरामीटर में आप y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट पी आने के बाद क्या करना है आपको, इक्वेशन नॉर्मल लिखनी है। अरे अब एक ही होमवर्क है अपना, अल्फा की वैल्यू को करना फाइंड आउट। तो अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करने का देखो बहुत सिंपल मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, पॉइंट पी पे टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करो, टेंजेंट की स्लोप का रिवर्स और नेगेटिव नॉर्मल का स्लोप आ गया, आपके पास नॉर्मल का स्लोप आ गया, ये पॉइंट पी पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो जैसे ही आप इसको सेंटर से पास कराओगे 0.5/3 से, तो देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ अल्फा, और अल्फा आने के बाद पॉइंट पी आ गया, फिर डिस्टेंस अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये जो फर्स्ट कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा, 2y dy dx इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर, यस सर। तो देन dy dx, आपको dy dx का बताना है 8 पॉइंट पी पे, देखो क्या आएगा 3 अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन y, तो x स्क्वायर तो क्या होगा अल्फा की पावर 4 अपॉन y इज अल्फा, तो देन स्लोप आ गया 3 अल्फा अपॉन 2, ये आपके टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा -2 अपॉन 3 अल्फा, तो देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, तो अपन राइट करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इज अल्फा 2 इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप -2 अपॉन 3 अल्फा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है। अब इट्स नॉर्मल इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट सी 0.5/3, ये जो नॉर्मल है आपका पॉइंट 0.5/3 से पास कराना है, तो एक्स को 0 पुट करना है, वाई को 5/3, तो पुट कर देते हैं, तो क्या आ गया देखो, 5/3 माइनस अल्फा क्यूब इक्वल टू आगे बेटा -2/3 अल्फा, एक्स को जीरो लोगे तो क्या आ गया माइनस के अल्फा स्क्वायर,
तो देन क्या कर सकते हैं, देखो माइनस से माइनस चला गया, एक अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो फाइनली आ गया 5/3 माइनस अल्फा क्यूब इक्वल टू बोलो माइनस माइनस प्लस 2α/3। यस सर। अब आप इसको जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या होगा, इधर देखते हैं आपको, तो जाएगा बेटा 5 - 3α³ इक्वल टू 2α, देन 3α³ + 2α - 5 इक्वल टू, सबको एक तरफ ले आओ, तो अल्फा में क्यूबिक है तो हिट एंड टाइल से आप इजीली अल्फा की वैल्यू को कर सकते हो फाइंड आउट। तो आपको दिख रहा होगा सबको अल्फा इक्वल टू 1 इसको क्या करता है, सेटिस्फाई। अब अल्फा इक्वल टू 1 अगर सेटिस्फाई करता है तो पता है आपको कि इसकी दो रूट और आने वाले हैं, बट जब आप अल्फा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है तो आप क्या बोलोगे, अल्फा माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पार्ट, अल्फा माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, तो आप क्या करना, अल्फा माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो देन आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, तो इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने पे इसका एक ही वैल्यू आने वाली है इस पार्ट। और आप देखो ना, अगर इसको एक फंक्शन लेट करते हो f(α) तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो f(α) ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, क्या है इसका f(x) 9α² + 2, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मीनिंग इस क्यूबिक फंक्शन का डायग्राम ऑलवेज इंक्रीज होगा, इसका मीनिंग इसका ओनली सिंगल रूट होगा और वो आ गया α = 1। तो रूट अगर α = 1 है तो अल्फा की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो पॉइंट आ गया बच्चों 1.1, पॉइंट अगर 1.1 आ गया तो अब इसके बाद देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो पॉइंट आपका 1.1 है वो लाइट, देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिमाग काम नहीं करता तो आप आराम से क्या करना, पॉइंट पता है, सी पता है, सीपी डिस्टेंस करना फाइंड आउट, और सीपी डिस्टेंस को इसकी रेडियस में से सबट्रैक्ट करोगे ना तो वो जीरो आ जाएगी आपकी, ये मेथड सही है। और सिंपल सी बात ये, जो पॉइंट पी है 1.1, इस पॉइंट पी को जब आप इसमें पुट करके देखते हो तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें देख लो तो बात हुई है ना, तो 1.1 तो 9 = 18 और 12 = 30 - 3 जीरो आ गया ना, इसका मीनिंग क्या है कि पॉइंट पी आपका पॉइंट ए होगा, इसका मतलब ये पॉइंट पी अगर सर्किल पे लाई करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, जीरो, तो इसका जीरो आंसर आपको फिल करना है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर इसका एक्चुअल डायग्राम की बात करोगे आप तो ये बाद में पता चलेगा मैथमेटिकली, इसका एक्चुअल डायग्राम ऐसे बनाओ 100%, मतलब ये जो फर्स्ट कर्व है इस सर्किल को एक पॉइंट पे टच करेगा, और टच करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी इसकी, जीरो, ठीक है। चलो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ एक्स की पावर 4 माइनस 14x² + 24x - k = 0 है फोर सॉल्यूशन, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, मतलब दिस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन हैं, तो बताओ नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k की इंटीग्रल वैल्यूज कितनी हो सकती है। देखो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, देखो इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने का बेटर ऑप्शन क्या मेरे लिए अकॉर्डिंग, अब क्या करो जिस वेरिएबल की वैल्यू को अगर आपको करना फाइंड आउट उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो आप, तो के को क्या करते हैं राइट साइड में शिफ्ट, तो क्या गया एक्स की पावर 4 माइनस 14x² + 24x = k। अब क्या करते हैं अपन इस लेफ्ट साइड को वाई कंसिडर करके इसका डायग्राम बनाते हैं, ये एफ एक्स लेट कर दो बात हुई है, अपन डायग्राम से इजिली चेक कर सकते हैं कि इसके रूट अगर 4 है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी, ये अगर आपने y लेट किया तो ये भी क्या गया, अरे इसको y लेट करोगे तो y इक्वल टू दिस पार्ट, तो y इक्वल टू किया गया, तो y इक्वल टू दिस पार्ट और y इक्वल टू के डायग्राम जितने नंबर ऑफ पॉइंट पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट उतने क्या होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। चलो तो इस fx के डायग्राम के लिए काम करो, इसका एक बार करते हैं डिफरेंशिएशन, तो इसका f(x) क्या आने वाला है, देखो 4x³ - x² + 24। यस सर, इससे अगर आपको दिख रहा है तो देखो मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, तो क्या आ गया x³ - 7x + 6, और देखो इसको x इक्वल टू 1 क्या कर रहा है सेटिस्फाई, तो x इक्वल टू 1 तो इसका 100% एक रूट है, बाकी रूट देखते होंगे कि नहीं होंगे, तो इसको देखो ढंग से, ये प्लस 6 है ना, इसको एक काम करो -1 + 7 करके इजीली फैक्टर भी कर सकते हो, एक ऑप्शन तो क्या है x इक्वल टू 1 अगर इसको सेटिस्फाई करता है देन x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पार्ट, तो आप क्वेश्चन से भी कर सकते हो, और शॉर्टकट मेथड देखो क्या है, इसको ऐसे लिखने में क्या प्रॉब्लम है, x माइनस 1 ये हो गया बैलेंस, तो ये तो फॉर्मूला बन गया ना a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो a माइनस b a² + b² + ab और माइनस 7 कॉमन लोगे तो अगेन आ गया x माइनस 1, तो देन x माइनस 1 कॉमन लेने पे बेटा क्या जाएगा x² + x + 1 - 7 - 6, देखो अगेन इसके फैक्टर क्या होंगे बोलो, ये इसके होंगे x + 3 * x - 2,
इसका मतलब इसके ऑल थ्री रूट्स आर रियल, इसके सारे के सारे रूट क्या होंगे रियल। तो लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 x माइनस 1 एंड x माइनस 2, मतलब आप इजीली इसके क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो। अब अपन इसके डायग्राम की बात करेंगे, तो देखो ये f डैश x आ गया ना। अब f डैश x आने के बाद आप एक काम करो, इसके लिए नंबर लाइन बना लेते हैं। इसके नंबर लाइन की बात करोगे तो देखो ये 1 पे 0 है, ये 2 पे 0 है, ये माइनस के 3 पे, प्लस माइनस, ये f डैश x की लाइन है। इसका मीनिंग क्या है कि माइनस 3 और 2 पे आपका साइन माइनस से प्लस की तरफ बिहेव करेगा। इसका मीनिंग माइनस 1 एंड 2 इज द लोकल मिनिमा पॉइंट, और इधर प्लस से माइनस में जा रहे हो आप तो दिस इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। माइनस 3 और 2 पे तो लोकल मिनिमा होगा, और 2 पे 1 पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो चलो इन पॉइंट्स की हेल्प से अपन इस डायग्राम की बात करते थे, काम करें फटाफट, इन ऑल थ्री पॉइंट पे वैल्यू भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तो देखना पड़ेगा डायग्राम। डायग्राम तो पता है ऐसे बनेगा x की पावर 4 का ही हो, क्योंकि x की पावर 4 है तो प्लस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी होगा और माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी होगा, मतलब डायग्राम प्लस और माइनस पे दोनों ऊपर की तरफ जाने वाला, बट आपको उसका मैक्स मिनिमम पॉइंट तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करें अपन इस फंक्शन एफ एक्स की एक बार तो जीरो पे वैल्यू क्या, जीरो, एक बार वन पे वैल्यू बात करते हैं, तो एफ ऑफ वन देखो क्या आने वाला है, 14 × 15 − 14 = 11 आ गया। फिर आप एफ ऑफ टू की बात करना, तो इससे एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या, देख लो उसमें रफ कॉपी करके देख लेते हैं, 4 16 − 48 − 4 56 आ गया। ये 64 − 56 इज 8 जाएगा, कितना जाएगा, 8 आ गया। तो f of 2 आपका 8 आ गया। सिमिलरली जब आप f of -3 की वैल्यू की बात करोगे, क्योंकि तीनों पॉइंट पे वैल्यू लिखना मस्त है, तो -3 में देखो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब x को -3 लोगे ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव में आएगी काफी बड़ी वैल्यू, क्योंकि देखो ना -3 पे क्या आएगा, 14 × 9 = −3 − 72, तो ये कुछ नेगेटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है। ऐसे देखते इसकी जरूरत होगी क्या, इसके अकॉर्डिंग अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे प्रॉपरली, तो देखो कैसा होगा इसका डायग्राम, किसका डायग्राम है, y इक्वल टू एफ एक्स है, ये सब देखो, −3 0 1 एंड 2, 1 पे तो इसका आउटपुट है 11, मतलब इस पॉइंट पे टर्न भी लेना है, क्योंकि इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा है। 8 आपका इधर होगा, 0 पे वैल्यू 0 है और −3 पे नेगेटिव है, मतलब इसका जब डायग्राम बनाओगे तो एग्जैक्ट डायग्राम ऐसे बनेगा, यू फिर ऐसे आएगा, फिर समझे मेरी बात को, देखो ना −3 पे लोकल मैक्स मिनिमा, 1 पे लोकल मैक्सिमा और 2 पे अगेन लोकल मिनिमा, ठीक है। अब ये आने के बाद देखो आपको y इक्वल टू k की लाइन को ड्रॉ करना है, और y इक्वल टू k की लाइन को इस टाइप से ड्रॉ करो कि ये y इक्वल टू k इस कर्व को 4 पॉइंट पे क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट। अब इस अगर आप प्रॉपर डायग्राम बना दोगे ना, तो इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे वो सारे आंसर दे सकते हो, कि के वैल्यू ऑफ के हैज नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, अप टू सो ऑन, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ऐसे समझते हैं, अगर y इक्वल टू k की लाइन को ऐसे लोगे तो ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे, ऐसे लोगे फिर भी 2 सॉल्यूशन है, ऐसे लोगे तो 2 सॉल्यूशन है, अगर आप इससे टच करा के जाओगे फिर आपके 3 सॉल्यूशन होंगे, मतलब ये वैल्यू पॉइंट कितना है, 8 है, ये आपका 11 है, तो k अगर एग्जैक्ट 8 लोगे तो y इक्वल टू 8 की लाइन आपकी क्या होगी, ऐसे जाएगी ना, तो 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन और 3 सॉल्यूशन, और अगर 11 से भी पास कराओगे आप उस केस में भी क्या होंगे, 3 सॉल्यूशन, और 8 से 11 के बिटवीन अगर आप लाइन को ड्रॉ कर दो, देखना इसको केयरफुली, तो देखो इसके 4 पॉइंट पे कट करती है, 1 2 3 एंड 4, तो इसका मीनिंग क्या है कि k अगर आपका 8 से ग्रेटर होगा और 11 से लेस होगा, उस केस में दिस इक्वेशन है एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन की बात करोगे आप, सिंपल सी बात है, जब भी सॉल्यूशन बोला जाए तो उनको डिस्टिंक्ट लेके काम करना, ध्यान रखना सॉल्यूशन ऑलवेज डिस्टिंक्ट ही होते हैं, ठीक है, रूट्स इक्वल हो सकते हैं, है ना। चलो तो देन इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे कि इसके 4 सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी, 8 से 11, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, तो बेटा 8 से 11 के बिटवीन कौन-कौन से इंटीजर होंगे, 9 एंड 10, तो इसने पूछा नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, तो आपको इसका आंसर फिल करना, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 2, तो इसका 2 आंसर आपको फिल करना, ठीक है। चलो तो इसी के साथ ये पेपर फिनिश होता है, चलो बेटा अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अब अगला पेपर अपन डिस्कस करेंगे जेई एडवांस का, इसी का डीटीएस 9 का मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर, ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।